हमारी हमेशा कोशिश रही कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं साफ सुथरा कंटेंट बनाएं डिसेंट कंटेंट बनाएं जो लोगों को इंस्पायर करे अच्छा महसूस कराए द स्लो इंटरव्यू उसी यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है लेकिन डिसेंट कंटेंट बनाना आज की दुनिया में आसान नहीं है नेगेटिव कंटेंट बहुत बिकता है पर आज एक नई यात्रा शुरू हो रही है आज हमारी ऑडियंस आप सब हमारे शो को सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं आर्थिक रूप से ताकि हम बिना किसी दबाव के अच्छा काम करते रहने की कोशिश कर सकें बहुत धन्यवाद आप सबका कि आज का शो और आने वाले सारे एपिसोड ऑडियंस द्वारा सपोर्टेड होंगे आपका समर्थन सहयोग होगा बहुत धन्यवाद और इस यात्रा में हम डटे रहें यही उम्मीद है चलिए एपिसोड शुरू करते हैं वॉट इज माई लाइफ अबाउट अगर मैं अगर पूछू तो भाई मेरी जिंदगी इसलिए है कि आई एम इन सर्विस ऑफ माई स्पिरिट मगर आप खुद को भी देखें hmm. आप चाय भी पीते हैं कम दूध वाली <laughs> क्योंकि आप पीना चाहते हैं ठीक hmm. है ना भाई? आप पीना चाहते हैं बिल्कुल अच्छा आप कपड़े ये पहनते हैं क्यों hmm. क्योंकि आप पढ़ना रहना चाहते हैं आप यहाँ रहते हैं क्यों hmm. क्योंकि आप रहना चाहते हैं बेसिकली आप वो कर रहे हैं जो आपकी जिससे आपको खुशी मिले बिल्कुल है ना भाई साहब अब वो जो आप कर रहे hmm. हैं मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मेरी यात्रा है वो आपकी यात्रा है वो आपकी खुशी के लिए बिल्कुल बिल्कुल सो द मोमेंट एनी वन ऑफ अस कनेक्ट्स विद की मुझे यार इसमें खुशी मिलती है एंड इफ आई कैन फाइंड अ वे टू लीड दैट लाइफ अनुसंधान इसमें है पाइनियर इसमें बनना है कि क्या मैं भेड़चाल पर रहूंगा क्योंकि उन्होंने कहा था या मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि मैं खेल जाऊं खेल कैसे चॉइस बना रेस वो बच्ची के स्कूल के लिए गया मैं अच्छा बच्ची बचपन के लिए गया हाँ किधर बैठना है आपको भाई गेस्ट गेट्स तो बेटर फ्रेम ऑलवेज तो क्या हुआ कि 2019 में आँख में आ, आ रहा ठीक है एक्टर हम चलेगा <laughs> 2019 में उसकी टीचर ने एक मैसेज भेजा हमको कि Please pay attention to your daughter. Mm. She drew a giraffe that was multicolored. And the next parent-teacher meeting, I said, "Like so what?" She didn't get it, and that started a my rethinking, rethinking about <laughs> the school and this whole way of looking at education and all that. Would you want to move this camera slightly here? So the camera because I'll be facing him. ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है भाई दीवार और ये ठीक है हम एक पार्क की बेंच पर मिले दो अजनबी हैं कौन है आशीष विद्यार्थी डेफ़िनेटली बहुत आ, पहला शब्द जो आता है मुझे अकेला और अकेला इसीलिए इगलोता इक इकलौता बेटा भी रहा हूँ बच्चा भी रहा हूँ और शायद शुरुआत उसी आ, से रही है पर जिंदगी में भी ऐसा ही फील करता हूँ और शायद इसीलिए अपने आप को दो तरह से एक तो लोगों के साथ जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अकेला हूँ आई डोंट टेक थिंग्स मेरा है नहीं कुछ मुझे बनाना पड़ा है और आ, दूसरा ये है कि आ, अकेला उस तरह से भी पाता हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं आसपास उनसे अलग ही पाता हूँ अपने आप को मैं तब हिंदू कॉलेज में आ, हिस्ट्री पढ़ रहा था और तब थिएटर करता था तो यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी अलग थी संभव थिएटर ग्रुप मंडी हाउस की जिंदगी अलग थी फिर मैंने देखा कि भारतीय विद्या भवन में भी मैं एक बॉय था पर आउटसाइडर था पढ़ाई में मतलब पढ़ाई की बहुत इच्छा थी पर एग्ज़ाम में मैं स्पेक्टैकुलरली फेल करता था खासकर मैथमेटिक्स uh, में और वो दुख मुझे बहुत होता था रीज़न ये था कि मैं आईआईटी जाना चाहता था और कभी मुझे वो उसमें आरानिकल था कि मैं आईआईटी जाना चाहता था और मुझे मैथ समझ में नहीं आता था मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद थी मुझे चीज़ें कैसे बनती हैं चलती हैं हैरत होती थी और मैं सोचता था कि जो इंजीनियर होता है वो बना देता है सब कुछ मेरी बहन मेरा भाई क़न दोनों इंजीनियर Engineer, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे या पढ़ने जा रहे थे तो आई डेफिनेटली फेल्ट इवन इन स्कूल दैट आई वॉज एन आउटसाइडर मैं सिर्फ थिएटर करना चाहता सालाना जो फंक्शन होता था आई टू लुक फॉरवर्ड टू दैट एक तरह से मैं शायद अपने टीचर्स टीचर्स ने कुछ स्पार्क देखा था लेकिन देखते थे कि मैथमेटिक्स में ठीक नहीं है ये बट आई लव टू ऑ ऑर्गनाइज पीपल बट अगेन विद अ डिस्टेंस तो वहाँ पर भी पर आज भी इतने साल बाद अपनी पूरी जर्नी में मैं जैसे अपने को देखता हूँ आई डू फाइंड माई सेल्फ कम्फर्टेबली रूटलेस और uh, मैं किसी भी जगह को अपना लेता हूँ और फिर वहाँ से चला भी जाता हूँ तो डेफिनेटली uh, अकेला <laughs> लगाव नहीं होता होता है वही मैंने कहा ना लगाव होता है और बहुत लगाव होता है और इनफैक्ट अकेलेपन की जो बात कहता हूँ ना कि मैं लगाव चाहता हूँ प्यार ढूंढता हूँ कई बार अपने को डिस्क्राइब करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे प्यार से प्यार है इंटरेस्टिंग तक का जो जीवन आपका गुज़रा है जब आप पलट के देखते हैं और एक उम्र के बाद हम पलट के देखने भी लग जाते हैं और देखने की काबिलियत भी आ जाती है टू जॉइन द डॉट्स ऑफ अवर लाइफ क्या उसको परिभाषित करते हैं किसी तरह से क्या वो क्या सफलता असफलता दुख सुख निराशा उम्मीद के सांचों में देखते हैं या आप कंटेंट है कंटेंट नहीं हूं तो उससे शुरुआत की जाए बहुत रेस्टलेस हूँ सक्सेस फेलियर नहीं मैं एक नर्वस एनर्जी में हूँ, और मेरी इच्छा है कुछ और भी है तो मैं जिज्ञासा बहुत रखता हूं और मैं वाह होता हूं अचंभित अच्छा अच्छा रहता हूं तो होता है ठीक है यार सब ठीक है अच्छा है और क्या है <laughs> तो दैट इज वॉट अट्रैक्ट मी अलॉट इट सेंस टू डिफरेंट सिग्नल्स इवन टू मी कि लगाव भी है और दूसरा बदलाव की तरफ झुक एक रुझान भी कि चीजें बदल रही हैं क्यों ना हम कुछ नया करें और इस ये जब मैं बोल रहा हूं कि कुछ नया करें उस नया करने के दौरान बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि क्या किया है वो तो हो चुका है सो वॉट नेक्स्ट एक्साइट्स मी हम लोग जहां से भी आए हैं वहां से यहां पहुंचे हैं क्या कहीं और जा सकते थे हाँ पर कहा पहुंचे यहां पहुंचे अब उस पर आप विवाद कर सकते हैं कि क्या ये लॉजिकल है लॉजिक का मजा ही यही है ना hmm. कि आप हाइंड uh, साइड में आप लॉजिक ढूंढते हैं <laughs> जैसे लोग बोलते हैं ना यार क्या कमाल का डिसीजन लिया तुमने अगर yeah. <laughs> आप उनको कहेंगे तो सचमुच जानना चाहते हो सोचा <laughs> नहीं था यार <laughs> कर दिया था तो यू नो लाइक दिस एंटायर थॉट इट थ्रू राइट रियली नो और और, और मेरे पिताजी की कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है बाबा उन्नीस सौ की पैदाइश मतलब 1912 के आसपास की पैदाइश इस तरीके की केरल में और आ, वहाँ पर रहते हुए उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा नहीं। नहीं। उनसे इंस्पायर हुए उसी दौरान वहाँ पर उनका नाम बताइए श्री गोविंद विद्यार्थी और बाबा ने वहाँ पे विवेकानंद से इंस्पायर हुए तब तक हिंदी प्रचार सभा वहाँ पहुँचा अच्छा उसी दौरान ये बीस बाईस की बात होगी तब बाबा ने हिंदी सीखी हिंदी सीखते हुए गणेश शंकर विद्यार्थी का जो जो मैगजीन होता था आ, मशाल वो पढ़ा उससे प्रभावित हुए अपना नाम विद्यार्थी कर लिया अच्छा वहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते पढ़ते वो और उनके एक साथी तय करते हैं कि हमें और पढ़ना है तो बाबा को भी जो जहाँ स्कूल और कॉलेज में जाते थे तो एक नदी पार करनी पड़ती थी अच्छा लेकिन तब ब्रिज नहीं बना था पर वो रेलवे ब्रिज था गाड़ी का वो तो बाबा लोग टाइम करते थे उसको जाना कि अगर कोई ट्रेन आए तो इधर उधर जाने की कोई जगह नहीं थी तो वो लोग टाइम करके जाते थे कॉलेज में पढ़ते थे वापस आते थे और फिर पढ़ते पढ़ते आ, कुछ ऐसा हुआ कि उनको पता चला कि वाराणसी चलते हैं अच्छा काशी विद्यापीठ उस दौरान शुरू होने वाला था या हो उसी समय की बात है बाबा वहाँ पहुँचे उन्होंने वहाँ पर संस्कृत पढ़ना शुरू किया उसी दौरान आस पास में जाके कुछ दिन वो मुंशी प्रेमचंद के घर पर भी पहुँचे बच्चे लोगों का जत्था जाता था कहीं कही ना कहीं जाते जाते ना ये सब ये सब ऐसी चीजें हैं कि वो लोग मिल गए अब मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रदम लेखक एक हैं वो और ऐसे किसी से ऐसे तो इधर उधर वो, वो लोग लो घूम रहे हैं उधर उधर कहीं घूम रहे हैं वो ये ऐसा नहीं कि हम सितंबर में गए बाबा उस गए वहाँ वहाँ पे मिले इनसे मिले उनसे मिले शाम के वक्त वो लोग गंगा घाट पर ब्रुक बॉन्ड की गाड़ी आती थी जो फ्री में चाय पिलाती थी अच्छा क्योंकि चाय की आदत पड़वानी थी शाम सब उस समय चाय नहीं पीते थे है है तो वो पीते थे संस्कृत पढ़ते थे संस्कृत पढ़ते पढ़ते इतने प्रभावित हुए संस्कृत पढ़ते थे और शाम के वक्त पहलवानों के साथ मुग्दर चलाना सीखते थे व्यायाम करते थे प्रभावित होकर साधु बन गए तय किया उन्होंने साधु बनेंगे लेकिन कुछ दिमाग में कुछ बातें थी सीखने की तो ही टॉन्चर्ड हेड बाल गठे हुए थे तो माथा सर कवर करके रात को एक मौलवी के पास जाते थे फारसी पढ़ने तो वो भी पढ़ने का शौक था जस्ट बिफोर हिज फाइनल वाउस उनको कुछ बात कही गई तो उन्होंने लगा कि मैंने इसलिए पढ़ाई नहीं की और बाबा कहते हैं कि मैंने वो अपने उसको जलाया और मैं सन्यासी बनने सन्यासी एकदम उसके पहले वो एक 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 चीज़ होती है जहाँ पर आप पिंडदान करते हैं अपने माता पिता क्योंकि आप अब वापस नहीं जाने वो हो चुका था अच्छा उसके बाद कुछ हुआ उन्होंने जलाया और वहां से गए और वो कहते हैं कि दो महीने के लिए वो कांग्रेसी थे वो पर्चे बांट रहे थे ये कौन सा समय होगा ये आजादी के पहले बिल्कुल मतलब okay. ये ये उन्नीस की बात होगी राइट पैंतीस सैतीस की बात होगी mm -hmm. दो महीने कांग्रेस ही थे बांटते थे और उसके बाद बाबा ज्वाइन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया oh, और वो धीरे धीरे न्यू एज बोलकर एक न्यूज़पेपर yeah. एक होता था उसको uh, बाबा छापते थे अच्छा बाबा अंडरग्राउंड थे कलकत्ता में hmm. बम्बई में इन सब जगह घूमते रहते थे वो करते करते ही वॉज बिकेम द पर्सनल असिस्टेंट टू कॉमरेड पी सी जोशी ये सब चलते करते पूरे इंडिया ट्रैवल करते थे एंड ही वॉज प्रिंटिंग न्यू एज ये सब चल रहा था और कलकत्ता और बम्बई के बीच में काम करते थे फोर्टी सेवन में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ उन्हीं के कॉमरेड को भेजा गया उनको मारने के लिए एक पठान क्योंकि सीपीएम सीपीआई बन चुका था इंटरनेसिन किलिंग चल रहा था उन्हीं के कॉमरेड को भेजा गया उनको मारने के लिए उन्होंने बताया कि आई हैव कम टू, किल यू तो जैसे कहते हैं बाबा कि जैसा तब हुआ था जब मैं आखिरी वाव पढ़ रहा था और जब मैंने संन्यास छोड़ा कहते हैं कि यहां कुछ हुआ कि मैंने कह रहे ये तो इसके लिए तो मैंने नहीं किया था ये बिल्कुल तो बाबा ने उसी वक्त वो छोड़ा 47 इंडिया हेड गॉट इंडिपेंडेंस बाबा वहाँ से दिल्ली आया सब छोड़ा इमीडिएटली, उन्होंने कहा नहीं जिस तरीके से संन्यास छोड़ा mm -hmm. उस तरीके से वो छोड़ा दिल्ली आए वहाँ पर वो मिले um, निर्मला जोशी से अगेन बाय चांस थ्रू समन उन्होंने तब संगीत नाटक एकेडमी की शुरुआत की थी या सोच रही थी बाबा उनके साथ जुड़े ही हैड लर्नड फोटोग्राफी एंड ही वॉज अ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर सेल्फ टॉट सिनेमाटोग्राफर सेल्फ टॉट रिकॉर्डिस्ट एक बार जब वो संगीत नाटक अकैडमी के साथ जुड़े ही फाउंड विच वॉज टू ट्रेवल ऑल ओवर द कंट्री एंड क्रिएट द आर्काइव ऑफ आर्ट्स ऑफ इंडिया परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ इंडिया और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की जब वो यहाँ ट्रेवल कर रहे थे उन्होंने देखा कि जो परफॉर्मर्स हैं उनको पेट्रनेज मिलती है जमींदारों की जी बिल्कुल जमींदार बुलाते हैं तब वो परफॉर्म कर पाते अब धीरे धीरे जमींदारी सिस्टम जा रहा था हुँ, हुँ. अब उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था पेट्रेन नहीं थे हुँ. अब वो जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट था अपना काम छोड़ के दुकान शुरू कर रहा था या खेती शुरू कर रहा था हुँ. बाबा वॉज वन ऑफ द पेन पुशर्स हु मेड श्योर दैट द गवर्नमेंट स्टार्टेड स्कूल्स ऑफ डांस मणिपुर डांस अकेडमी कथक केंद्र यक्षगान अकेडमी hmm. ताकि इस कला को वो सिर्फ अपने बच्चों तक ही ना सीमित रखें hmm. वो दूसरों को दे सकें एंड एज इंटरेस्टिंग एज इट इज़ आपने भी कुछ बताया hmm. आपके पिता जी के लिए कुछ श्वेत लोगों ने उनका क्रेडिट नहीं लिया यहाँ पर हम कलर लोगों ने ही उनको बाबा ने बाबा को कभी सेक्रेटरी नहीं बनने दिया गया संगीत नाटक अकेडमी का oh. उनको इधर उधर शंट करते रहे वो लोग बट बाबा वेन ही मूव्ड ऑन एट द एज ऑफ 92 टू ही रिटायर्ड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी दे नेवर अलाउड हिम टू बिकम द सेक्रेटरी वॉट इज वेरी फैसिनेटिंग और जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है ही इज़ वन मोर अन इंडियन जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है बिल्कुल एंड uh, उनका नाम कभी भी स्वर्णम अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा hmm. पर उनका योगदान रहेगा hmm. और माँ से मिले दिल्ली में माँ जो अजमेर की रेबा विद्यार्थी अजमेर में माँ एक जमींदार के घर में बंगाली जमींदार के घर में तोपधड़ा में hmm. बड़ी हुई वहाँ पर उनको कथक से प्यार हो गया और ज़मींदारों के घर में बेटी hmm. नाच नहीं सीखती बिल्कुल तो उनके नाना जी ने कहा तुम नहीं सीख सकती हो तो माँ उनके पाँव पड़े होली तो में मुझे सीखने दीजिए मैं कभी परफॉर्म नहीं करूँगी तो माँ ने अपने नाना जी को वादा किया कि कभी परफॉर्म नहीं करेंगी तो ताज जिंदगी उन्होंने सिखाया तो माँ had द privilege ऑफ लर्निंग from uh, पंडित uh, अच्छर महाराज अच्छा जो बिरजू महाराज जी के पिताजी जी, हैं एंड पंडित शम्भू महाराज जी, जी। शंभु और उसके बाद से माँ वजिद कथक केंद्र और जितने आप लखनऊ घराना के आप बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखेंगे सबों ने पाँच से आठ साल पहले माँ से सीखा है उसके बाद बिरजू महाराज जी के पास गए हैं माँ और बिरजू महाराज जी गुरु भाई बहन उनके उनके पिताजी की शागिर्दा और वहाँ पर माँ बाबा से मिले और मैं हुआ तो अ क्वर्क ऑफ फेट आई सेलिब्रेट की तुम्हें पता नहीं कि जिंदगी की कौन सा मोड़ तुम्हें कहीं ले जाए सो डोंट ट्राई टू से दैट यू आर द ऑथर ऑफ इट एब्सोल्युटली और ये कितना मुझे आ, डीपली रेजोनेट कर रहा है आ, तो तीन चीज़ें मैं असल में अपने आप से कई बार पूछता हूँ इन्हीं शब्दों में इज दिस द मोमेंट दट विल चेंज माई लाइफ और इसका इसका भान है मुझे कि आम, जैसा आपने कहा कि हम अपने जीवन की गाड़ी को नहीं चला रहे mm -hmm. वो अलग गलियाँ आती हैं कहीं पगडंडियाँ आती हैं कहीं हाईवे आ जाते हैं पलट के हम उसका लॉजिक ढूंढ सकते हैं mm -hmm. शायद हाइंड साइड में हाइंड साइड में mm -hmm. आ, या शायद ये कि मैंने ये फ़ैसला शायद इसलिए लिया होगा रैशनलाइज कर सकते हैं उसको आ, और दूसरा जो आपने अपने पिताजी का बताया वो तो दुखती रग है मेरी कि जब भारत की कलाएँ और आ, मैंने हाल में एक नोट लिखा था जिसमें एग्जैक्टली यही लिखा कि एक समय पे राजा पेट्रंस होते हैं। कलाकारों को हमेशा पेट्रंस जरूरत मिलते रहे हैं और ज़रूरत भी है कि भाई आप आप तानसेन हैं आप आप करिए अपना काम बाकी हम देख रहे हैं आपके आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर जैसा आपने कहा कि ज़मींदार आए और उसके बाद अगर आप उसके आगे की यात्रा देखें जब एक वक्त पे आ, बड़ी कंपनियां जो हैं लार्ज प्रोडक्शन हाउसेस प्लेटफॉर्म्स तो आ, और उसके बाद फिर जो क्रिएटर है वो आ, खुद चूँकि पैटर्नस नहीं रहे कलाकार इतने ज़्यादा हो गए आ, आ, वो खुद सोचने लगा कि मैं कैसे अपने आप को सपोर्ट करूँ अगर इसको जीविका बनाना है वगैरह दैट बिगैन टू डिफ़ाइन आवर आवर कंटेंट कि आप जो पहले वो आप वो कर रहे थे क्योंकि आपको पेट्रनेज थी आपको चिंता नहीं थी जीविका की कि जो ठीक है जो होना चाहिए जो अच्छा है भला है और उसके बाद आप आ, एक वक्त पे वहाँ पे आ गए जो बिकता है जिसमें अच्छा बुरा ये सब थोड़ा सा हुँ. पीछे रह गया कि आईबॉल्स का समय आ गया और क्योंकि पेटर्न्स नहीं थे काश होते क्रिएटर्स वो बना रहे हैं जो बिकता है बिकॉज किसी ने ये नहीं सोचा पलट के कि आ, ये क्यों इसका क्या असर होगा आगे नो गोइंग बैक टू वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जब जो आप कह रहे हैं कि अबाउट फाइंडिंग पेटर पहले था अब नहीं है तो अगेन मेरी कहानी है और तानसेन के अलावा भी बहुत सारे और होंगे हाँ uh, बिल्कुल तान से इनको पेटर्नेज मिला hmm. और हम कहते हैं उस युग में लोग पेटर्नेज देते थे चाहे hmm. हम कहें कि इस वक्त बहुत सारे बहुत क्रिएटर्स बहुत क्रिएटिव लोग हैं उस समय क्या नहीं थे सो लेट इज बी लेट इज गेट दिस ट्रेड लाइफ इज इंट फेयर हम लोग कुछ ढूंढ रहे हैं कि अब जिंदगी अनफेयर हो गई है जिंदगी इज नेवर बिन फेयर हमारे अंदर एक हम सब के अंदर एक रोमांटिसिज्म है <laughs> कहते हैं ना कि पहले का टाइम अलग था यार अब नहीं है मतलब लोग बच्चों को देखते हैं कहते क्या लाइफ है इन लोगों की यार अब देखो हम पूरे टाइम जूझते रहते क्या मस्ती कर रहे हैं भाई मेरा तो स्कूल टाइम बहुत टेरर वाला टाइम था घबराया रहता था, था मैं मेरा एग्जिस्टेंस था हर हर तीन महीने में वो पीरियोडिकल टेस्ट होता था जिसमें दोबारा मैं फेल हो सकता था अमूमन होता था मैं मतलब मैं तो शेयर टेरर में काटा है मैंने पूरा स्कूल टाइम बिल्कुल खुशी नहीं थी ताकि मैं सो जाता था फिर उठ, उठ, उठने का मन नहीं करता था मतलब मैं कह रहा हूँ कि वी रोमांटिसाइज द पास्ट जब मैं, मैं एक ऐसा एक आई वॉन्ट टू बिकम एकेडमिशन जो आपको डिस्क्राइब करके बताएगा कि किस तरीके से आ, कुछ नहीं बदला है भाई साहब hmm. <laughs> हमेशा जिसके पास पैसा था hmm. उसके पास पावर था hmm. उसके पहले पैसे के पहले जिसके पास नमक था hmm. आ, कुछ भी कहें बट लाइफ इज बिन अ ब्यूटिफुल डांस कि जहां पर कुछ नहीं है और कुछ चाहिए उसका खेल हो रहा है hmm. कोई नमक के लिए सिलकर देता था कुछ खाना बना के देता था कोई खोद के देता था hmm. कोई किसी का काम यह था कि नहीं तुम सुरक्षित हो मैं तुम्हारा ख्याल रखू भाई इनका ख्याल रखो इधर चढ़ाई करो वो करो कुछ लोगों को पैसे मिलते थे जाके लड़ने के लिए उनको बताया गया तुम शूरवीर हो लड़ना तुम्हारा काम है अब वो वो एहसान नहीं करता था वो उसकी ड्यूटी थी उसको कहानी बताई गई तो हम लोग सब एक तरह से कहानी के हिस्सेदार हैं और उसी कहानी में अगर हम लोग क्रिएटिविटी की बात करें आपने बात कही ना रंग की तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक एक कमाल का एक उसको गीत बनाया गया है मैं उसका जस्ट नाम याद करना कालो वो है जहाँ पर वो एक आदिवासी औरत को डिस्क्राइब करते हैं मैं आई एम जस्ट नॉट रिमेम्बरिंग द लिरिक्स वो क्या था वो जमींदार जो अपने कलकत्ते को छोड़कर शांति निकेतन उस लाल भूमि में वहाँ पर जब गए आई इमेजिन वहाँ पर पहली बार ही ऑब्जर्व्ड सर्टन थिंग्स वर अवे फ्रॉम द बरा साहेब कल्चर है ना भद्र लोग उनकी रॉयल्टी के उन उन्होंने शायद गांव वालों को देखा वहाँ पर उनको खूबसूरती दिखी और दूसरे जो रंग को लेकर बात है मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए जैसे मैं तो बड़ा हुआ भाई मुझे मेरे रंग के नाम से बुलाया जाता था मेरा आज भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे कालू बुलाते हैं कालू ज़रा सुना और मैं फ्रैंकली उसको गंजे सुनना मैं उसको गंजा बुलाता हूँ वेरी फ्रींग बचपन में बुरा जरूर लगा लेकिन एक बात मैं जान गया था उस समय कि भाई मेरे बुरे लगने से बुरा लगने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहते डोंट बी इंप्रेस बाय सक्सेस रियली रियली कौन है जो नहीं है तो वाई आर वी वॉन्टिंग टू सेंसिटाइज माइंड एंड सी इट्स नॉट पोलिटिकली करेक्ट टू लुक एट पीपल हु जो मेरा ऐसा माना है कि हम हम सब परिभाषा के बाहर है बंधु है ना आप जो बता रहे थे कि आप पता नहीं क्या क्या करके आए हैं <laughs> और मैं भी लगा हुआ हूँ कि पता नहीं क्या क्या कर करना चाहता हूँ कई बार मैं अरे वाह बहुत बहुत शुक्रिया कौन सी में क्या दिख? बात है ये वाली। ये आपकी है मैं थोड़ा कम दूध की चाय पीता हूँ अच्छा मैंने हाल में सोशल मीडिया पे एक वोट किया था कि चाय में कम दूध होना चाहिए ज़्यादा उसमें तो मैं हार गया क्या कहा उन्होंने ज्यादा दूध वाले अधिक थे अच्छा तो मैंने हारा हुआ महसूस किया लेकिन मेरी लॉयल्टी कम दूध की चाय के लिए है पर आपको जान के खुशी होगी जी। क्या आ, आपका पोल उन्हीं के पास पहुंचा होगा <laughs> थैंक्स टू वो क्या ब्रिटानी का क्या नाम है वो <laughs> उनके हिसाब से है ना आपके अब पूछ अब अब ये भी आप बोल सकते नहीं मेरे पोल गया कहाँ पर <laughs> हैरत है ना दुनिया अब आपको डिटर्मिन कर देती है कि आप क्या सुनना चाहते हैं बिल्कुल तो दैट्स इट्स एन इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड पर्सपेक्टिव परस्पेक्टिव माई माई ऑफकोर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज मोर कि अगर जैसे इस केस में आपने एल्गोरिदम का कहा mm. वैसे ही मास मीडिया है और अगर वो अगर हम एक ऐसी दुनिया में होते जिसमें हम एक दूसरे से अलग हैं और हो सकते हैं इस बात आ, के साथ हम समझौता कर चुके होते आ, लेकिन अगर हम इस दुनिया में हैं कि हम ऐसे दिखते हैं हम फलाने राज्य से हैं या देश के हिस्से से हैं या शहर के हैं या गांव के हैं आ, कि अगर हमें काश हम ऐसी दुनिया में होते जहाँ पे किसी कॉमेडी शो में गांव वालों का मजाक न उड़ाया गया आ, तो वो आ, आ, जो क्रिएटर होता है मेरी नज़र में शॉर्टकट है वो वो हर एक ऐसे व्यक्ति से नहीं बात कर रहा जो आपकी तरह है आपने आत्म साक्षात्कार किया है यू हैव एक्सपीरियंसिस मेरे एक प्रश्न उठता है वॉट इज माई लाइफ अबाउट अगर मैं अगर पूछू तो भाई मेरी जिंदगी इसलिए है कि आई एम इन सर्विस ऑफ माई स्पिरिट राइट अगर आप खुद को भी देखें आप चाय भी पीते हैं कम दूध वाली <laughs> क्योंकि आप पीना चाहते हैं ठीक <laughs> है ना भाई? आप पीना चाहते हैं बिल्कुल <laughs> अच्छा आप कपड़े ये पहनते हैं क्यों <laughs> क्योंकि आप पढ़ना रहना चाहते हैं आप यहाँ रहते हैं क्यों <laughs> क्योंकि आप रहना चाहते हैं बेसिकली <laughs> <laughs> आप वो कर रहे हैं जो आपकी जिससे आपको खुशी मिले <laughs> 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 बिल्कुल है ना भाई साहब तो एक बात हम लोग मान लें कि अब वो जो आप कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहता बट पॉइंट ये है कि मुझे नहीं करना है ना आप कम दूध वो मेरी यात्रा है वो आपकी यात्रा है वो आपकी खुशी के लिए बिल्कुल बिल्कुल अब आप वैसे ही देखिए कुछ लोग मिर्ची खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते कुछ लोग किताब पढ़े बगैर उठते नहीं है कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते कुछ लोग खेती करते हैं कुछ लोग गेमिंग करते हैं मेरा सवाल यह है कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है सो द मोमेंट एनी वन ऑफ अस कनेक्ट्स विद की मुझे यार इसमें खुशी मिलती है एंड इफ आई कैन फाइंड अ वे टू लीड दैट लाइफ अनुसंधान इसमें है hmm. पाइनियर इसमें बनना है कि क्या मैं भेड़चाल पर रहूंगा hmm. क्योंकि उन्होंने कहा था hmm. वो कहते हैं या मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि मैं खेल जाऊं खेल hmm. और मैं कह दू लोगों क्योंकि मैं अपनी स्पिरिट के सर्विस में रहूंगा hmm. इसमें एक, एक और चीज भी है इस ये जो स्पिरिट है ना ये ऐसी छोटी स्पिरिट नहीं है दिस स्पिरिट इंक्लूड्स आप जो ये कर रहे हैं यू आर इंपैक्टिंग सो मैनी पीपल बट इन सर्विस ऑफ योर स्पिरिट ये नहीं कि भाई करना पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूं नहीं hmm. ये मैं कर रहा हूं और इससे मैं ये इंपैक्ट आप थ्रोथ हैं hmm. तो अब बताइए इन सब चीजों में आप गांव से हो आपकी हिंदी ऐसी है आपकी अंग्रेजी ऐसी है आप ऐसे दिखते हो उसके क्या मायने हैं भाई आप अमूमन देखेंगे कि हम लोग घबराए रहते हैं कि हमें सबकी हामी मिल जाए बिल्कुल कि मैं काला हूं लेकिन वो लोग मुझे एक्सेप्ट किया है नहीं भी किया है, तो क्या भाई मैं तो चलूंगा मैं तो जा रहा हूं सो व्हाट आई ट्राइंग टू डिसरप्ट इन कॉन्वर्सेशन कि हम लोग हम लोग मोहताज नहीं है कि आप जब तक मुझे एक्सेप्ट ना करें अब मुझे एक्सेप्ट करने लगे हैं पता है mm. अब मुझे नहीं mm. मैं वैसे भी चलता रहता आपने अगर एक्सेप्ट किया या आपकी दैट्स योर पीस है ना जैसे मैं अगर आपको एक्सेप्ट ना भी करूं तब तो आप चलते चले ही जा रहे हैं ना दोस्त mm. आप भी जो ये कर रहे हैं इमेजिन mm. करिए ट्राइंग टू तो डू दैट इन द एब्सेंस ऑफ तो सोशल मीडिया करेक्ट मैं जो कर रहा हूँ कुछ भी करता हूँ मैं आपको पता है मेरे जो भी मेरी सोशल मीडिया की फॉलोइंग है चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो मेरे जान पहचान वाले मेरे सब्सक्राइबर नहीं है भाई उनको मैं बोलता हूँ यार वो देख लेना मैंने कुछ किया श्योर सेंड मी द लिंक बहुत आसानी हो गई है पता है जान पहचान वाले ही मजाक उड़ाते हैं करीब से उनको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं आप किसी जान पहचान के साथ बात कर रहे हैं कोई और आगे क्या है आपने देखा आजकल ये कर रहे हैं अच्छा ओह यू सेंड मी द लिंक कहाँ यू यूट्यूब ओ यू यूट्यूब ओके भेजना लिंक nice. भेजना और अब तक क्या थी सर आप प्लीज़ समझिए आप मेरे घर में कोई नहीं समझ रहा मेरे मेरे सोसाइटी में कोई नहीं समझ रहा मैं इधर काम कर रहा हूँ मैं नहीं समझेंगे कोई पर और लोग हैं एंड दैट आई थिंक इज समथिंग विच इंस्पायर्स मी जहाँ पर लोगों को दिख जाए कि हम कम की दुनिया में नहीं हैं हम अनेक की दुनिया में हैं एंड दैट्स वाई आई लव द फैक्ट दैट वी हैव हैवे पॉपुलेशन वी हैव टू टर्न एवरीथिंग टू आर एडवांटेज अगर मैं जैसे मैं ताज ज़िंदगी लगा रहा हूँ बंधु शायद आप जैसे किसी को देख कर, मेरे घर वालों ने बताया भी होगा नीलेश की तरह शांत कब हो गए यार तुम कितना चुप बैठा रहता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पूरी जिंदगी में तड़पता रहा भाई चुप कैसे रहूं नहीं उपाय फिर मुझे किसी ने बताया तुम बड़े हो गए ना तब ठहराव आएगा नहीं आया भाई अब बीच बीच में ठहराव की जगह आ जाता हूं स्लो होने है ना और इसमें भी मेरे लिए विविधता है can we embrace who we are can i embrace my color can i embrace my weight mere background mera religion meri soch meri vividhta mera mera toota pan hmm. aur tab aap किसी से भीख नहीं मांग रहेगी मुझे एक्सेप्ट करो तब आप किसी टीवी पे फेयरनेस क्रीम के आते विज्ञापन से आप सुन नहीं, नहीं महसूस करेंगे आ, आ, आप नहीं चिढ़ रहे आ. आ, आप नहीं चिढ़ चिढ़ मैं क्यों रहा चिड़ भाई किसी को चाहिए तुम क्यों क्यों रोक रहे हो मुझे तो फिर प्रॉब्लम होगी का होगा गोरेपन से ही क्यों प्रॉब्लम है तुमको कुछ लोग हैं जो गोरा होना चाहते हैं आप उनसे बात करो मैं तो ठीक हूँ पर कोई घोना चाहते होने दो ना उसको आप साइंटिफिक बेसिस पे बात कर लो कि यार इज पॉसिबिली नॉट गुड फॉर योर स्किन वो अलग बात है उसके बाद तो मैं आपके एस्पिरेशंस को लेकर बात कर रहा हूँ नहीं कल मैं कहीं पर था उन्होंने बात किया कि आप बच्चों को बताइए कि बाहर ही फ्यूचर नहीं है hmm. मैं क्यों नहीं है भाई hmm. तुम्हें जहां दिख रहा है तुम जाओ पर याद रखना वहां पर भी फ्री लंचेस नहीं है hmm. वहाँ पर सब कुछ ठंडा नहीं है ना या ज्यादा ठंडा है ना, hmm. है, है ना? <laughs> पॉइंट है कि डोंट ट्राई टू टेल पीपल क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है जितनी नाराजगी हम देख रहे हैं आजकल कहीं ना कहीं वो नाराजगी मुझे आप मेरी आपसे रहेगी जब तक मैं आई डू नॉट इन माई सेल्फ मुझे अपने ऊपर कुछ हो, हो नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में मैं नाराज़ हूँ किसकी वजह से इसकी वजह से ना हाँ इसकी वजह से अगर मुझे अपने पर होप है उम्मीद है तो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपके बारे में सोचूं जानू कुछ मेरे पास वक्त नहीं है अब जब बीच में कोई मिले नेच का, अच्छा हाँ बंधु एक बात बताओ यार मैं ना ये करना चाह अब मैं ये बात करूंगा आपसे ये कि अच्छा नहीं नहीं अच्छा हैप्पी फॉर यू पूरा ज्वलन जलन वन का मामला ही है कि बहुत दुखी हैं अपने आप से और आप तब तक दुख दुखी रहेंगे जब तक आपको ये लगता रहेगा कि वर्ल्ड को फेयर होना है वर्ल्ड फेयर नहीं है अब तक नहीं था आज नहीं है कल भी नहीं होगा कईयों को कई चीज़ें मिलेंगी बहुतों को बहुत चीज़ें नहीं मिलेंगी और ये जगह ये, ये बेचारी जगह जिसमें एक भी मॉल नहीं है अच्छी तरीके से जीवित समझते हैं ना पता हो यार मॉल भी नहीं है आप सोचिए ना कि आप, आप जब एक विदेशियों ने ही वो मापदंड बनाए थे ना कि एक इतने वर्ग मील के एरिया में इतने खेलने की जगह होनी चाहिए इतने स्कूल इंडिया में नहीं था भाई कभी भी बम्बई में तो था ही नहीं कुछ और कहीं और खेल खिलाड़ी हो गए तैयार हो गए वी हैव ऑलवेज ब्रोकन द नॉम माई फ्रेंड ऑल दैट आईंगटन वैल्यूएशंस विच आर बीन क्रिएटेड और हम लोग उस होड़ में लगे पड़े हैं कि हमारी अंग्रेजी ऐसी होनी चाहिए हमारी हिंदी भी ऐसी होनी चाहिए उच्चार ऐसा होना चाहिए रूल्स हैं hmm. या बाई तरफ चल रहे हैं या रूल्स हैं hmm. मतलब इसको शुड नॉट बी मिसकन्स्ट्रूव लेकिन अगर आप किसी का हानि न करके आप अपने जीवन में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अगर हम उसके लिए लोगों को इंस्पायर कर मोस्ट पावरफुल थिंग एब्सोल्युटली टोटली एग्री टोटली एग्री भाई धूप तेज है नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता कर लेते हैं। एक बहुत आनंद आ रहा है hmm. कितनी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं आप अगर इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन हो तब पॉज लिया जाता है जिंदगी के बारे में सोचा जाता है सो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूज जिंदाबाद शुरू कर दे लोग तो, तो तो वो आता है भाई या उसके साथ ही शुरू करें नहीं, नहीं नहीं वो ले आएगा बीच में ये छोटी चीज़ें हमें कभी नहीं रोकती <laughs> इंटरव्यू नहीं ना सीन है चेकिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हेलो वन टू थ्री चेक आपका जन्म कहाँ हुआ दिल्ली विलिंगडन हॉस्पिटल माँ बाबा रहते थे आ, करोल बाग में किराए के घर में पन्ना देवी जैन हाउस अजमल खां पार्क के पास आ, जोशी हॉस्पिटल के एक बिल्डिंग छोड़कर और जेडी टाइटलर की गली और पन्ना देवी जैन हाउस यस पूरे सब पूरा जैन परिवार रहता था ग्राउंड फ्लोर पे अंकल रहते थे थैंक यू और पास में अजमलखा पार्क था दो मंजिला इमारत थी हम लोग टॉप फ्लोर पे थे दो कमरे थे छोटे कमरे mm -hmm. और जो किचन था बाबा ने बरामदे आधे बरामदे में बनाया था और तब हमको पता नहीं था एस्बेस्टस क्या कर सकता है तो उसकी छत एस्बेस्टस की ही थी बालकनी की और स्टोव था ऐसा वाला स्टोव तो आ, दो हम याद है एक तो ऐसा वाला स्टोव होता था बाबा कहते थे वो डेंजरस है तो हमारे पास दूसरा वाला स्टोव था जिसमें विक होता था और ऐसे करके खोल के उसको जलाया जाता था मैं सोचता क्या ये तो प्राइमस था मेरे ख्याल से और वो कुछ और कहलाता था फ्रिज बाद में आया फ्रिज शायद था ही नहीं वहाँ पर एक मिड सेफ था जिसमें माँ खाना बना के रखती थी और जब फ्रिज आया तो मुझे आ, मुझे उसे छूने नहीं दिया जाता था वो मशीन था वो <laughs> टीवी नहीं था उस समय टीवी नहीं था बहुत गर्मी होती थी और ऊपर पानी नहीं चढ़ता था माँ बाबा वेरी हार्ड वर्किंग बाबा वॉज वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिस से आकर पानी ऊपर नहीं चढ़ता था नीचे से बाल्टी भर के पानी लाते थे और मैं और बाबा रात के वक्त छत पर नहाते थे ताकि वो गीला हो जाए क्योंकि उसके बाद जब सूखता था वो फिर बाबा वहाँ बिछौना बना डालते थे नीरीच वो वो टाइम ऐसा था जब गर्मियाँ मतलब गर्मियाँ और गर्मियाँ मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी hmm. तो रात के वक्त छत पर सोया जाता था तो आ, घर में दो बेड्स थे जो अंदर वाले कमरे में और वहीं पर मेरा जो मेरा जो क्रेडल था उसमें केन का क्रीडल था उसको उसको डाइनिंग टेबल बना दिया गया था जब मैंने होश संभाला और बाहर के कमरे में तख्त थे जो जोड़ के बेड बन जाते थे जब लोग आते थे नहीं तो लोग बैठते थे उनके ऊपर मणिपुर की चादरें होती थी क्योंकि बाबा बहुत नॉर्थ ईस्ट में जाते थे विद संगीत ना अकेडमी बहुत सारी किताबें थी उस पूरे घर में बाबा कहते थे मेरी संपत्ति है किताबें हैं मेरे दोस्त तो या कैसा, गर, था? कैसा था दिल्ली तब था? दिल्ली अगेन तो तो वो वो जिस जो हम जिस घर में रहते थे आ, उसमें जैन मामा नीचे रहते थे वो अध्यापक थे शायद नीचे वोहरा अंकल रहते थे वो रावल गाँव स्वीट्स का गाँ उनका बिजनेस था अच्छा जो टॉफ़ी टॉफ़ी टॉफी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। नहीं। और माँ बाबा इस लाइन में थे बाबा संगीत के अकेडमी में माँ कथक के में तो आसपास इस तरह का कुछ नहीं कि कल्चर का माहौल हमारे घर में दूसरे दोस्त आते थे बाबा के माँ के दोस्त आया करते थे हम हम लोगों के घर जाया करते थे आ, बाबा हमेशा से एक, एक गाड़ी खरीदना चाहते थे और आ, उसी रोड से आगे जाकर जैसे मैंने बताया ना जेडी टाइटलर स्कूल था उसके पास एक टैक्सी स्टैंड था वहाँ से बाबा हमेशा हम सबको टैक्सी में ट्रैवल कराया और सरदार जी के साथ वो बात करते थे कि आ, एक फोर्ड प्रिफेक्ट लेना है कभी ले नहीं पाया फोर्ड प्रिफेक्ट उसके बाद मॉरिस माइनर की बात हुई थी एक वो भी नहीं हो पाया मेरे ख्याल से तब कुछ ऐसा ऐसा कुछ फिगर था कुछ तीस हजार रुपये में है ऐसा कुछ था जो नहीं था हमारे पास तो बट हम लोग घूमते रहे टैक्सी में जाते थे बीच बीच में नानकिंग बोल के एक होटल हुआ करता रेस्टोरेंट हुआ करता था तब रेस्टोरेंट नहीं हम होटल ही कहते थे प्लेस uh, में वहाँ जाते थे बीच बीच में चाइनीज खाने का और हाँ सो वेरी लविंग वेरी बहुत संतुष्ट बहुत प्यारे बा, माँ बाबा काफ़ी उम्र दराज से जब मैं पैदा हुआ मैं मेरी पैंसठ की पैदाइश है बाबा 1912 की पैदाइश तो सोची कुछ पचास साल के ऊपर के थे जब मैं हुआ माँ वॉज बॉर्न इन 1929 पर बहुत सारा प्यार था और माँ और बाबा दोनों अलग अलग तरीके से परवरिश करते थे बाबा कहते थे कभी किसी चीज़ के लिए हाँ मत कहना पूछना वाय वो तर्क में विश्वास रखते थे और माँ को बड़ा गुस्सा आता था माँ कहती कहती हाथ से निकल जा रहा है इसको डांट के रखो तो माँ की एक लाइन होती है ओथों पतो ने चले जाते उसका मतलब कुछ ऐसा है कुछ बाबा तो वेरी कामिंग गुस्सा नहीं करते थे कई साल बाद जब हम लोग बाबा ने लक्ष्मी नगर में अपना घर बनाया उधार पैसे लेकर एक किसी काबुली वाले से भी पैसे लिए थे बाबा ने बड़ी मुश्किल से उधार चुका कर घर कंप्लीट किया वहाँ पर चाची जी रहती थी हमारे पास के घर में चाचा जी चाची जी बाबा के दोस्त महेंद्र आचार्य। बाबा ने कहा हम दोनों दोस्त साथ रहेंगे उन्होंने साथ घर बनाया बाबा ने इधर बनाया चाची जी ने एक बार पूछा था बाबा को गोविंद जी आपको गुस्सा नहीं आता आपको गुस्सा क्यों नहीं आता तो बाबा ने बोला था आई हैव सीन लाइफ सो so, चाचा जी चाची जी की बेटियाँ बबल दीदी मीनू दीदी मेरी बहनें हैं हम लोग साथ बड़े हुए एंड बोथ वेरी 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 क्लोज टू मी आज तक और आ, जैसे मैंने यू नो शुरुआत में ही आपने पूछा था कि कैसे हो मैंने कहा था अकेले तो मैं अकेला और मेरी जिंदगी में ये लोग सब Uh, किसी का अपना होने की बहुत ख्वाहिश है ना वो मतलब वो एक, एक मृत रिश्ना है उसका आप कह सकते हैं मैं खुद उसको एडमिट करता हूँ टू बिलोंग टू टू बिलोंग टू बिलोंग यू नो इट्स लाइक और टू बिलोंग एक ऐसी है चीज़ है कि आप बिलोंग तो करते हो लेकिन आपको यकीन नहीं आता यू you, know, you are continuously saying that मुझे याद है जब फनी एपिसोड है ये तो लक्ष्मी नगर जब हम पहुँचे एक दिन मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हुआ उसकी बड़ी बहन ने आके मुझे डांट दिया अच्छा मैं तिल टूट गया मैंने कहा यार आज तो मैं मानता हूँ मैं गलत था तो डांटा बट अगर कोई किसी दिन कोई और गलत होगा तो मेरी तरफ से तो कोई डांटने वाला भी नहीं है <laughs> उस समय मैं फैंटम कॉमिक्स पढ़ता था फैंटम के जो वुल्फ था उसका नाम था डेविल जब फैंटम कहता था गो तो डेविल जाके कच्च पकड़ लेता था <laughs> तो मेरा एक कुत्ता था जिसको मैं भाई कहता था बम्बर और उसी दौरान जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़ते थे मैनी डेज ऑफ कुमाऊ तो उसमें पढ़ा कि टाइगर जो है मैनीटर तब बनता है जब वो खून चाट लेता है टुगेदर गिरता तो था ही तो मैंने कहा कि अब डेटॉल वगैरह लगाने के पहले बब्बर से चटवाऊंगा <laughs> आइडिया तक ठीक था पर मैंने चटवाया भी और आज भी यकीन नहीं आता कि कुछ नहीं हुआ मुझे तो इसलिए मैं डेफिनेटली कहता हूँ डोंट ट्राई दिस एट होम पर मेरी इच्छा थी कि मैं उसको तो चाटेगा मुझे ऐसे करके बड़ी जबरदस्ती में कराता था वो ऐसा करता था मैं कहते कम ने यार तुम तुम्हें मैनीटर बनाना है ऐसे करूँगा और फिर मैं कहता था कि अगर मेरे साथ किसी का झगड़ा हुआ और फिर मैं इस बब्बर को चार्ज <laughs> और बब्बर जाएगा और उसको पकड़ेगा और फिर मैं खड़ा रहूंगा जब वो माफी मांगेगा तब मैं कहूंगा छोड़ दो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना वो मैनीटर बना ना कभी उसने दूसरे को चार्ज किया उसने घर में माँ को भी काटा मुझे भी काटा पर तो सतरंगी कहानियाँ बनाता था hmm. माँ बाबा ऑफिस होते थे मैं घर आता था और दीवार पे ना टेनिस बॉल से हाथ से खेलता रहता था और कई विंबलडन जीते मैंने वहाँ पर <laughs> तालियाँ होती थी फिर सो जाता था सो या थ्रू आउट द पीरियड आई न्यू दैट मेरे माँ बाप बहुत वृद्ध हैं और मैं अकेला हूँ और एक डर मुझे सताती थी, थी कि कहीं ये लोग मर गए तो मैं तो मैं तो अनाथ हो जाऊँगा और मुझे कौन संभालेगा पाँच छः साल की उम्र में ये हाँ डर था मुझे धारणा थी हाँ, कि मुझे कौन संभालेगा अगर ये मर गए तो और कुछ ही साल बाद कॉलेज पहुंचा जब तक तब डर ये हो गया कि अभी इनको तो मैं ही संभालूंगा और कोई है नहीं तो जल्दी से जरूरी है कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ और अकेले होने का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि यू आर क्लियर दैट देयर इज नो वन टू हेल्प यू तो उम्मीद भी नहीं होती और कई बार जब आपको किसी और से उम्मीद नहीं होती तब आप जान जाते हो कि खुद ही करना है और वो एक लर्निंग uh, आज तक मेरे काम आती है जहाँ पर मैं ये बात समझ चुका हूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ करनी है लोग साथ दे सकते हैं पर वो काम लोग नहीं करेंगे तो आपको ही करना पड़ेगा घर पे कौन सी भाषा बोली जाती थी इंग्लिश हिंदी बांग्ला माँ से मज़ाक करता था कि मदर्स है कि मैंने मुझे मलयालम नहीं सीखने दिया <laughs> बाबा मलयाली थे बाबा इसीलिए पूछा कई सारी भाषाएं बोलते थे पर पता नहीं बाबा ने कभी बाबा वॉज वेरी सिक्योर अमेजिंगली सिक्योर कभी ये नहीं बोला तुम मलयाली हो कभी ये नहीं बोला सब पढ़ते ही नहीं थे सब में यूज मोस्ट यू नेवर सेड नो टू मी टू एनी थिंग और uh, uh, जिंदगी शायद अब भी लगा पड़ा हूँ कि कहीं कही ना कहीं अगर उनकी तरह बन सकूँ वो एक सज्जन है जो मेरी आंखों में आंसू ऐसे ही ले आते हैं क्योंकि दो हजार तीन में ना मैंने एक एक कोर्स किया एक प्रोग्राम किया इसका नाम है लैंडमार्क फोरम And it completely altered my life, how I saw life, how I saw myself in life. It completely altered what was advanced course. What advanced course was, was, was finally, in the final day, and I was going to said, Gopal Rao, Landmark Forum leader, who was leading him. I on the mic and I said, Thank you, Gopal. Today, after so many years, I now get that I can be like Baba. एंड द एंटायर ऑडियंस यू नो तो लोग जो वहाँ थे जो कोर्स ताली बजाया एंड मुझे एक सेंस ऑफ विक्ट्री मिली और तब गोपाल ने इधर हंस के कहा एंड सो यू थिंक दैट बाबा वॉन्टेड यू टू बी हिज क्लोन बाबा मुझे बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि मैं उनके जैसा बनू और आप समझ पा रहे वो जो मुक्ति मिली कि मुझे उनके जैसे नहीं बनना है वो ध्येय नहीं है ध्येय ये है कि मैं खुद जैसा कुछ बनूं पर फिर भी एक टीस रहती है कि बाबा के जैसा अच्छा अगर बन सकूँ तो <laughs> इसीलिए मैं नामचीन लोगों से इंस्पायर्ड नहीं होता हूँ मैं लोगों से इंस्पायर होता हूं और कहीं कही ना कहीं मेरा ये जो काम है जो मैं कर रहा हूँ वो इसीलिए है कि पहले मैं खुद कुछ आम में ख़ास देखता हूँ और उसी के बारे में शेयर करता हूँ कहीं hmm. ना कहीं आई वॉन्ट टू डू मोर विथ माई लाइफ है कुछ और करना है कुछ और करना है और एक टर्म होता है ना कि आ, वो यूज़ कर लेगा मुझे यार वो यूज़ कर रहा हैट यूज कंप्लीटली मतलब कोई इसमें कोई त्याग नहीं है क्योंकि एक्चुअली कोई यूज नहीं करता कोई अगर किसी का फायदा हो सके मुझसे mm. इससे अच्छी चीज और क्या है एक्चुअली mm. का देखो ना क्योंकि वो मेरे साथ मिलके कुछ ऐसी चीज करेगा जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ राइट सो नॉट एज अ ग्रेट थॉट बट एक्चुअली एज कैन आई लेट इट फ्लो इफ आई कैन सजेस्ट समथिंग इफ आई सी समथिंग कैन आई सेन होल्डिंग इट बैक सो इस स्टेज ऑफ लाइफ में आई डिस्कवर आई एम एक्टर मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ मैं अभिनेता भी हूँ मैं ये भी हूँ मैं स्पीकर भी हूँ मैं व्लॉगर भी हूँ मैं अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो भी करना चाह रहा हूँ ट्रैवलर हूँ मैं खाने को अप्रिश करता हूँ मैं लोगों को अप्रीशियेट करता हूँ मुझे अच्छा लगता है अपने पिता के कौन से गुण आपको सबसे पसंद रहे yeah. बाबा right. एकदम वो बुद्धिज्म में कहते हैं ना मिडल पाथ ना इधर थे ना उधर इट्स ऑल राइट आई लॉट ऑफ टम्बल्स इन माय लाइफ लाइक कई कई टम्बल्स जिंदगी बड़े मतलब माँ बाबा जब जीवित थे तभी बड़े सारे टम्बल्स स्कूल से हुए कॉलेज में हुए एन में हुए बम्बई पहुंचे इधर उधर चल रहा है बाबा बस इट्स ऑल राइट उसके बाद बड़ी मुश्किल से पैसे कमाने शुरू करे तब तक बाबा बहुत बूढ़े हो चुके थे बाहर नहीं जा नहीं पा रहा था तो बाबा बॉम्बे आए बाबा उनको एम्बेसडर होटल लेकर गया जिसका रिवॉल्विंग एक रेस्टोरेंट है मैंने कहा कुछ एक्सपेंसिव जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं अभी भी, भी किराए के घर में रहता था, था लेकिन मैं कहा कि कुछ ऐसा तो वहाँ ले गया और वहाँ पर शेफ़ आए उन्होंने एक चाइनीज़ चीज़ डिश बनाई और उन्होंने पूछा क्या मैंने कहा क्या हो सकता है उन्होंने कहा कि ये डिश है जिसके अंदर से आग निकलती मैंने कहा वो बनाइए प्लीज़ यू नो और आए उन्होंने आग लगाया ये लगाया ये लगाया और ऐसे करके सर्व करके बाबा को सर्व किया बाबा ऐसे खा रहे थे स्माइल करते हुए तो मैंने ऐसे कहा बोला बाबा हाउ इज इट इट्स ऑल राइट तो शेफ इधर खड़े बाबा इट्स वेरी गुड ना वेरी गुड इट्स ऑल राइट And you know, in that, in that entire thing, Baba, it's all right. Is something which. I'm still very far He was all right. They say, there came a time in his life when, you know, he was not able to control a lot of things or. एक बार माँ बाबा हमारे बिल्ड, जिस बिल्डिंग में रहते थे हम लोग एक फ्लोर पे माँ बाबा का इधर था घर तो मैं रोज़ मिलने जाता था हम लोग क्या वो ऊपर आके इधर खाना खाते थे हम लोग नीचे जाते थे तो मैं एक दिन पहुँचा तो माँ वजू वाइपिंग समथिंग एंड बाबा जस्ट स्टैंडिंग देयर मुझे लगा बहुत एम्बेसिंग है तो मैं ऐसे इधर मुड़ गया मां बहुत एम्बेस हुई बाबा बैठे तो मैं बाबा के पास बैठा यार थोड़ी इधर उधर की बात करी मैंने कहा बाबा इट्स ओके बाबा है ना नो प्रॉब्लम बाबा इट्स लाइक सुपर बाबा अच्छा यू नो बाबा ने एकदम ऐसे ऐसे हाथ पकड़ा ऐसे किया नॉट इन मतलब यू नो कि मैं सोच रहा हूँ कि वो सोच रहे होंगे वो जो इतने स्ट्रॉन्ग थे पानी इतना वो करते थे अब वो इट्स ऑल राइट उन्होंने मुझे कहा इट्स ऑल राइट आशी तो हीरो ही इज बताऊँ मैं उनकी तरफ बनना चाहता हूँ पता नहीं क्या पर इज माई हीरो इज I'm inspired by ki can I be okay with things? I'm still not okay with things, you know. I I I try to power my way through things क्योंकि uh, और कई बार lagta hai ki कि uh, knowing that I'm not okay and I can be okay वो मुझे drive करती है. आपको पता है कि क्या करना है. So I have it up there. इस जगह पर बैठकर मैं ये सब बातें कर रहा हूँ एकदम अर्लियस्ट यादें क्या है अगेन वेरी क्लोज टू फियर फियर हैज बीन अ वेरी क्लोज बिकॉज मैं जब शिवनिकेतन में था चौथी या पांचवी कक्षा में मेरे एक दोस्त के घर में गया तब उसके नाना नानी से या दादा दादी से उसने मिलवाया पहला शौक लगा जिंदगी में दे लुक लाइक माई पेरेंट्स उसके दादा दादी hmm. तब रियलाइज हुआ कि माँ बाबा बड़े बूढ़े हैं मतलब चौथी में भी वो रजिस्टर किया गया हिज पेरेंट्स नो हिज दादा दादी लुक लाइक माई पेरेंट्स

बिकमिंग इेलिवेंट हाँ इलेवेंट अब यू नो जस्ट दैट फियर अब मैं उसको एनालाइज करके कह सकता हूँ कि उस फियर से मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ बट ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ के कुछ कैसे करना चाहता हूँ मैं उठता हूँ ऐसे कि बॉस मुझे कुछ करना है इनफैक्ट माई टीम ऐसे ही कुछ करके कहते हैं बहुत कुछ खास करना है बहुत कुछ अमेजिंग करना है अंदेजे कर तो रहे सर बट यू नो आई है माई मेकअप माई मेकअप इज दैट कि मुझे होता ना कि रेट सुबह उठता हूँ आजकल कल चार पैंतालीस जो मैं उठता हूँ उसका सोचता हूँ कि आज क्या करूँ ऐसा नहीं सुबह चार पैंतालीस उठता हूँ और कहता हूँ कि बॉस कुछ करना है ये है सोच हर सीजन के पीछे एक एक कौतूहल है एक फ़ियर है एक कस मसाहट है एक रेस्टलेसनेस है और अब मैं एनालिसिस करके बोल रहा हूँ कि मैंने उस फियर को ना अपना फायर बना लिया अच्छा है कि मैं <laughs> उस उसको मैं कहता तो हूं भाई है डर तो है पर उस डर को मैं एक होता है डर से आप जाम हो जाए कहते हैं ना कि डियर हेडलाइट्स आ हिल नहीं पाता। उट आई मूव एंड आई डिस्क यू मूव न्यू हराइजन सर यू नो लेकिन मैं ऐसे नहीं उड़ता मैं वेन इन डाउट आई मूव I do this. थोड़ी देर बाद फिर मैं मूव करता हूं एंड दैट इज what अलाउज मी टू आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और मैं कहते हैं ना कि आप पता नहीं किस ईंधन से hmm. लेकिन आप कुछ कर पाते हैं ये मेरा ईंधन रहा है बचपन में क्या था फियर. हाँ फेयर में स्कूल का फेयर था बताया ना मैं एग्जाम में फेल होता था यार मैं एग्जाम लिखना नहीं आई डेंट लाइक टू राइट मेरे ख्याल से मैं ठीक ठाक इंटेलिजेंट हूँ मैं औसत स्टूडेंट था पचास परसेंट इक्यावन परसेंट आ जाते थे hmm. मैथ्स में बॉडम फोर आउट ऑफ हंड्रेड आए में बारहवीं कक्षा में वो आज भी नहीं पता फोर कैसे नंबर मिले थैंक्स टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो बेस्ट ऑफ फाइव था निकल गया मैंने तो मैं रिटर्न देता रहता पूरी जिंदगी तो वेरी फेयरफुल मैं एग्जाम से डरता था पेरेंट्स का क्या रिएक्शन uh, होता था जब आप फोर आउट ऑफ हंड्रेड लाते थे मैथ्स में माँ को लगता था कि थोड़ा और मारा जाए <laughs> क्योंकि उनकी पूरी फैमिली में सब पढ़े लिखे अच्छे हैं उनके उनके भाई बहन के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई में और मैं टोटल बॉडम और बाबा हैड अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर माय गार्बेज बाबा वाज नेवर वरीड फॉर मी वो कमाल चीज़ है यार मतलब मैं कहता हूँ कैसे नॉट अबाउट मी इट्स ऑल राइट आसपास वाले लोग कहते गोविंद जी क्या कर रहे हैं आप उसको इट्स ऑल राइट तो इसलिए मुझे और गिल्ट होता था कि बाबा कुछ कहते ही नहीं थे मुझे तो इसीलिए पता है जब मैं कॉलेज में गया हिंदू कॉलेज गया हिस्ट्री पढ़ रहा था अंदर घुस पाया ओनली बिकॉज ऑफ ड्रामेटिक्स नहीं तो मेरे पास नंबर नहीं थे बहुत उठ पटांग चीज़ की शराबें पी ये सब की मुँह कभी भी डिस्कथेक्ट नहीं गया क्योंकि आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड इट आग थी किसी न किसी तरीके से कमाना है माँ बापा को खिलाना है समझ गया था कि मैं आई नहीं जा सकता उसका पता चला सिविल सर्विस भी नहीं कर सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ एक्टिंग क्या थिएटर थिएटर में पैसा नहीं कुछ और करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से बम्बई पहुँचना है बम्बई किसी को नहीं जानते दिल्ली में रहता हूँ किसी को बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ मोहल्ले में ऐसे कैसे बोलोगे तुम्हें तो एक्टिंग करना चाहते हो क्लासिक केस है ना तुम तो क्या करना चाहते हो एक्टिंग अच्छा अच्छा नहीं करना क्या चाहते हो एक्टिंग तो दिल्ली में मैंने तय कर लिया था लोगों को बोलता था मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूँ एक डिफेंस था मतलब टोटल कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी उसके, उसके बाद क्योंकि दिल्ली में आपको आदमी हर चीज़ के बारे में सजेशन दे सकता है मर्चेंट नेवी के बारे में दिल्ली वाले कुछ नहीं जानते तो मर्चेंट नेवी खड़ा कर दिया मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूँ वो बाबा मुझे कुछ नहीं कहते थे यार माँ जो एक्सटेंशन लिए जा रही थी जस्ट बिकॉज शी हैड टू सपोर्ट मी अरे बहुत पेनफुल होता है भाई बहुत पेनफुल होता है जब माँ बाबा कंप्लेन ही नहीं कर रहे मैं कहा क्या करूँ यार मुझे करना ही पड़ेगा और उसके बाद आप बम्बई आ रहे हो आप यू कम फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड एन्वायरमेंट माँ बाबा का ख्याल रख रहे हैं या इंटू द बिग बैड वर्ल्ड बहुत लेट गया यू नो पच्चीस छब्बीस साल की उम्र में करना ही पड़ेगा कुछ सो so, और कई बार क्या होता है यूर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आप वापस नहीं जा सकते hmm. घर बहुत अच्छा लगता है माँ ख्याल रखता है नहीं माँ कुछ करना पड़ेगा यार एंड ऊपर से जल्दी क्योंकि माँ बाबा बूढ़े हो रहे हैं क्या उनको मैं लोगों को बताऊंगा आई एम वेटिंग फॉर अ ग्रेट रोल और माँ बाबा चले जाएँ नहीं यार मैं नहीं चलेगा ये सो आई वॉज वेरी क्लियर विद माई सेल्फ दैट मैं अब किसी और के लिए नहीं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माँ बाबा एंड टेक केयर ऑफ दम नाव एम टेक केयर ऑफ दम नाव सबसे बड़ी खुशी हुई थी जब माँ बाबा को एक मैं ट्वेंटी फोर आवर्स मेड अग्री करा पाया माँ बाबा प्लीज कीप अ ट्वेंटी फोर आवर्स पर्सन माँ पूरा काम खुद करती थी वो किया उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको बम्बई लाए प्लीज़ माँ कम स्टे विथ अस छब्बीस ग्यारह छब्बीस ग्यारह ना बम्बई में उसी दिन पहली बार माँ को मैं बाहर ले जाकर उदयपुर ले जा रहा था कुछ पता चल रही थी कुछ हो रही है और हम लोग जा रहे थे पहली बार माँ को उदयपुर लेकर गया ओनली टाइम एक फाइव स्टार होटल में रख पाया उनको माँ बाबा जा चुके थे माँ को ले गया रखा उधर वो चल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा व्हाट इज दिस हैपनिंग लाइफ इज गोइंग ऑन दिस हैपनिंग आई एम ट्राइंग टू डू सम फोर माँ यू नो जस्ट टू सीयर फेस उस लीक पैलेस में ले जाके माँ को बोला माँ मसाज कराओ ना माँ का ना, ना ना मैं कराऊँ ना प्लीज माँ ने कराया दर्द हो रहा है माँ को मुझे पता था अच्छा लग रहा था पर शी इज वेरी यू नो मिक्सड इमोशन आप क्या करना चाहते हो और मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए एंड देन यू रियलाइज कुछ नहीं कर सकते आप माँ बाबा की खुशी किसी और चीज़ में है <laughs> ये आ, जब मैं लखनऊ से दिल्ली आया तो शताब्दी में आता था फिर आ, कभी कभी फ्लाइट में आने लगा और होता था कि पेरेंट्स को भी फ़्लाइट में बिठाए कभी मानते नहीं थे वो शताब्दी में आएंगे रात की ट्रेन में आराम से सो के आ जाएंगे आ। अरे जितना टाइम तुमको लगता है वहाँ से एयरपोर्ट जाने में वहाँ से वहाँ जाने में उतने टाइम में तो हम पहुँच जाएंगे शताब्दी में आराम से और शायद जो भारत के बेटे बेटियाँ हैं वो ये जता नहीं पाते कि असल में वो कह तो रहे हैं कि उनके सुख के लिए कर रहे हैं पर अपना सुख भी है कि तो अरे, अरे उसका एक उसके एक आगे का भी हुआ है ना कि अब मोगली हुआ मोगली को लेके मैं जहां जहां घूम रहा हूँ जिस भी शहर जा रहा हूँ मैं उसको म्यूजियम दिखा रहा हूँ पूरी लिस्ट बनी हुई है आज मोगली जो बर्कली में पढ़ने के बाद अभी टेस्ला में काम करता है मुझे कहता है कि बाबा हम लोग ऐसे कभी बात कर रहे हैं वो वेंट टू दे कहते हैं हाँ बाबा अगर उस शहर में म्यूजियम है तो हम गए तुम्हारे यू मीन कहते हैं आई मीन दैट यू हैव टेकन मी टू द म्यूजियम मैं वो अच्छा हुआ कि नहीं आज तुम कहते है बाबा आई डिसीजन मेरा जब भी कोई बच्चा होगा उसको बिल्कुल किसी म्यूजियम में नहीं लेके कर <laughs> तो आई गिव इट बैक टू सर बेटा तुम्हें पता नहीं है तुम बाप बन जा फिर तू लेकर जाएगा और <laughs> मैं उसका सेकेंड चीज़ भी बता देता हूँ मैं एक्चुअली बता देता हूँ मैं लेकर गया था मेरे लिए <laughs> <laughs> क्योंकि बचपन से नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन्स पढ़ता था और उनमें जो रेफरेंसेस थे इन सब म्यूज़ियम्स के थे वो चाहे Uh, सब हो चाहे hmm. वो uh, क्या कहते हैं आबू सिंबल का जो right. बन रहा है वहाँ पर किस तरह से ऊपर गया कट के उसका हो या right. पूरे मैंने कहा कि ये एक्चुअली मैं अपने लिए लेकर गया था और uh, मतलब मैं जानता हूँ कि एज अ चाइल्ड तुम्हें शायद याद नहीं बट यही सब कोशिश रहती है ना कि यार क्या हम वो सब कुछ अच्छा कर पा रहे हैं जो भी हम करना चाहते हैं hmm. फ्रीडम इन दिस की हमें से किसी को भी नहीं पता कैसा सही तरीका क्या है अच्छा बच्चे होने का सही तरीका हमको नहीं पता अच्छे माता पिता होने का सही तरीका नहीं पता लेकिन जो करना है ना कर लो दैट्स वन थिंग विच हे बी डूइंग अच्छे बेटे बन पाए बहुत गिल्ट पहले आता है एकदम फट से मैं थोड़ा और कर सकता था थोड़ा और वक्त बिता सकता था उनके साथ बट आज मैं जो देखता हूँ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आई अ डिस्टिंग फीलिंग दैट माँ बाबा वुड बी वेरी वेरी हैप्पी दे वज वेरी हैप्पी डूइंग देन बट मैं फिल्मों के अलावा और भी जो सब ये सब चीज़ें कर रहा हूँ uh, माँ बाबा बहुत तो वेरी वेरी क्रिएटिव uh, वो अप्रीशिएट करते uh, बाबा वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी माँ वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी इवन मैन आई डन नथिंग तो डैट इज व्हाट डिस्टेंस पेरेंट्स फ्रॉम अदर्स जहाँ पर दुनिया आपको आँख रही है आपके सक्सेस से है ना माइलस्टोन्स स्टोन से आप क्या अचीव करते हैं और uh, बाबा के अभी भी मेरे पास वो रखी है कि मेरे जो प्लेस हैं उसकी कटिंग्स फोटोग्राफ्स रिव्यूज सो दे फाउंड देर ओन हैप्पीनेस आई एम श्योर आई वुड इमेजिन अगेन वापस बात हो जाती है मैं अकेला कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा को खुश कर सकूँ मैं अकेला सोच रहा हूँ कि अब वो खुश रहे होंगे तो uh, इन सब चीज़ों से गुजरते हुए ना आपको इस मोमेंट को ब्यूटीफुली जीना है। आपने कहा कि स्कूल आपके लिए बहुत टेरिबल एक्सपीरियंस था, डर था। आ, तो ये अभिनय का बीज कहाँ से आया? आपको लगता है? हाँ सिर्फ मैं कह रहा हूँ स्कूल स्कूल नॉट अ टेरेबल एक्सपीरियंस और स्कैरी एक्सपीरियंस मतलब और मैं इसको थोड़ा सा एक फ़नी बेंट के साथ कह रहा हूँ हाँ। कि मैं रोमांटिसाइज़ नहीं करता हूँ स्कूल टाइम को है हाँ। ना बहुत मज़ा किया बहुत अच्छे बहुत कमाल के टीचर्स रहे हैं सब कुछ पर मैं कह रहा हूँ मेरे लिए बड़ा स्कैरी था भाई मैं फेल होने से डरता था और थिएटर की मेरी शुरुआत हुई शिवनिकेतन में जहाँ पर मिसेज एलिज गोबा के स्कूल में हमको मौका दिया जाता था कि आप किसी भी प्रश्न का जवाब या ड्रॉ करके करें या एनेक्ट करके करें वो खुली छूट थी आई एन्जॉय दैट स्कूल तो मैंने पाया आपने को कि मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ you know, मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है और uh, तो वही हुआ उसके बाद मैंने भारतीय विद्या भवन आया तो आई यू शू लुक फॉरवर्ड टू हाउस फंक्शंस हाउस फंक्शंस में मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता था रोल्स करता था बहुत बहुत खुशी होती थी हम सबको ना किसी न किसी जीत की जरूरी हो जरूरत होती है hmm. मेरे लिए परफॉर्मेंस बीन अ पॉइंट ऑफ खुशी मज़ा किया अच्छा किया कुछ भी नहीं बदला है आज भी वही है पहली बार स्टेज पे गए वो दिन याद है अरे वो बड़ा कमाल का वो सब मैं पहली बार जो प्रोफेशनल स्टेज पर गया था वो था जब मैं उन्नीस में दस साल का था कालिदास समारोह में श्री हबीब तनवीर Uh, के डायरेक्टर नाटक उत्तर रामचरित में uh, मैंने लव की भूमिका की थी अच्छा और uh, बहुत ठंड में उज्जैन में हम लोगों ने परफॉर्म किया था उसके बाद आईफेक्स ऑडिटोरियम था नई दिल्ली में वहाँ परफॉर्म किया था तो स्टेज से डर नहीं लगा कभी भी तो स्टेज शुरू होने से मुंबई जाने तक का रास्ता उसके क्या पढ़ाव थे? सो so, भारतीय विद्या भवन हुआ भारतीय विद्या भवन के दौरान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उस साल मेरे उन्नीस सौ अस्सी में उन लोगों ने चिल्ड्रंस थिएटर एक प्रोजेक्ट शुरू किया सालाना होता था तो दो साल मैंने उनके साथ किया तो मिसेस सुषमा सेठ मेरी पहली टीचर थी वहाँ पर अच्छा आ, उसके बाद श्री पंकज सक्सेना के साथ मैंने किया तो सुषमा जी उसमें उनके साथ हमने किया था राजा मांगे पसीना मैंने सेठ का रोल किया था एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं सेकेंड टाइम सेकेंड ईयर पंकज सक्सेना साहब के साथ हम लोगों ने किया था फैंटम मैं पंकज सर के पास गया था और मैंने मुझे याद है मैंने पूछा था कि सर मैं फैंटम के रोल के लिए ऑडिशन कर सकता हूँ क्या बोला कौन नहीं कर सकता क्यों पूछ रहा है हा? क्यों पूछ रहा आई टोल्ड हिम सर क्योंकि वो तो वाइट है ना कैन यू बिलीव इट मुझे उस समय क्लास नाइन में क्लास एट या नाइन्थ में था मुझे पता था कि वो वाइट कैरेक्टर है मैं गुरान के लिए तो कर सकता हूं टॉम के लिए कर सकता हूं पर क्या मैं फैंटम के लिए कर सकता हूं और इंडिया में रहता हूं मैं। नहीं। पता नहीं, मुझे मुझे कुछ याद नहीं क्यों मैं मैं कह रहा हूँ ये मेरा प्रश्न था मुझे याद सो <laughs> so, कई सारी चीजें ना हमारे अंदर आपको मैं आज भी आपको एक सत्य बात देता हूँ मोगली से मेरी बात मोगली अर्थ बेटा हाँ बेटा मैं उसके पैट ने भोग <coughs> मैं उसको कहता हूँ मैं जब उसके बर्कली में गया अभी या उसके पहले भी जब उसको छोड़ने गया था तो मैं उसके कोकेशन दोस्तों के साथ मुझे बहुत ऐसा अजीब लगता है मुझे लगता है कि मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है मैं दुकान में जाके मुंह वो मुझे सास गया मुझे लगता है मेरी अंग्रेजी शायद अच्छी नहीं है मैं शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा इशू है यार लोग कहते हैं यार तेरे को कॉन्फिडेंस मुझे लगता है यार ये विदेशियों के सामने मैं कुछ बोल पाऊंगा क्या हुँ. अब मैं अब जब मैं प्रोग्राम्स करता हूँ तो विदेशियों के सामने जाकर मैं अपने टॉक्स देता हूँ सब कुछ देता हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात बट एकदम से वो बैठा है वो अगेन वो डर वो डर कि आप क्या ऐसा ऐसा से, से कम तरी जी हाँ? और, और मैं जो यहाँ पर मतलब जब मैं स्टेज पे जाने वाला होता हूँ उसके ठीक पहले मैं बहुत नर्वस होते हैं एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर देट एज जो अपनी तरह के डर लाती है hmm. और उम्र के साथ जब आप बढ़ते हैं और आपने इवॉल्व री किया है नई चीज़ें करना चाहते हैं इसके बारे में बताइए सो एज रिजल्ट मैं जब एक्शन में रहता हूँ मैं एकदम निडर होता हूँ तो मुझे कुछ करना ही है और मैं क्रिएटिव स्पेस में अपने आप को बहुत फ्री फील करता हूँ मैंने एक चीज़ समझ ली है कि आई हैव टू टेक केयर दैट आई गॉट मनी टू पे माय बिल्स पे माय टैक्सेस उसके बाद खुल के खेलो बहुत ज़्यादा समझ नहीं है कि पैसे हो गए तो वो कुछ लोग हैं जो समझाते हैं मैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ लेकिन उसका जब काम करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है मुझे कुछ नया किया जाए और मुझे मज़ा आता है एक सपना देखना बी उन सपनों को पूरा करने का के तरीके ढूंढना और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोग अक्सर कई चीज़ें कर नहीं पाए हाँ। उसका अफसोस हार का एहसास और अपने आप को ये जता देना कि अब तो बहुत उम्र हो गई अब नहीं कर पाएंगे हाँ उनके लिए आपकी कहानी कितनी प्रेरणादायक है पता नहीं उनकी बा... एक बात मैं बताता हूँ कि फ्री हो जाओ यार तुमने जितना किया वो तुमने किया तुमने जो नहीं किया तुमने नहीं किया शर्म से चुप मत हो जाओ एक जब लैंडलाइन हुआ करता था तब की बात होता बम्बई में जो अभिनेता होता है वो रोल अब 300 फिल्में कर चुका हूँ ग्यारह भाषाओं में लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बड़े लंबे लंबे, लंबे अरसे रहे जब काम नहीं था काम मिलने के बाद फिर काम नहीं था कब आप घर में बैठे कोई फ़ोन करता है आप फ़ोन उठाते हो हाँ आशीष घर पे हाँ यार शूटिंग कैंसिल हो गई क्या नहीं शूटिंग नहीं है अरे यार ऐसे कैसे कैंसिल हो गई नहीं शूटिंग नहीं है अच्छा अच्छा शेड्यूल पोस्टपोन हो गया मैं रुक जा रुक रुक जा लुक जा पिक्चर नहीं है अब कुछ भी हेलो पिक्चर नहीं है कैसा है तू मैं चाहूँ यू ओके हाँ फिर आना आना तू आना आराम से अरे ठीक है चल आ जा पीपल वॉन्ट टू पीपल गेट एम्बेरेस्ड क्योंकि तब वो आदत पड़ती नहीं यार वो आज मैं घर पर हूँ मेरी शूटिंग कैंसिल आई गॉट फ्रीडम यर्स बैक द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री एंड आई गॉट नो वर्क यार एंड वेन आई है नो वर्क मैं खूब मैं क्योंकि मेरी एक जिंदगी का चक्कर है कि वी आर ऑल वेटिंग फॉर समथिंग करेक्ट है कि नहीं राइट आई एम ऑल्सो वेटिंग वॉट आर यू डूइंग वाइल यूर वेटिंग इज योर गेम वी ऑल हैव मिस द बस वो बस छुट गई अरे यार साला छुट गया वॉट डिड यू डू एन यू मिस द बस क्योंकि आई एम जीता जागता एग्जाम्पल और आई मिस मैनी बसेस वेन आई मिस द बज आई डिड सम और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आ, प्लान बी प्लान सी प्लान डी प्लान ई प्लान एफ क्योंकि आपको खाना रोज है आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा फिर भी आपको खाना है आपको घूमना है बच्चे की फीस देनी है आपके शौक हैं वो पूरे करने हैं ना आपको मैं चाह अभी चल नहीं कुछ और ढूंढो कुछ और ढूंढो ढूंढना पड़ेगा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दैट्स वाई दिस एबिलिटी टू री इन्वेंट इज ए नेसेसिटी। इट इज नॉट ए लग्जरी यू हैव टू रिमेन वैल्यूबल क्योंकि आपकी जिंदगी आपके प्रोफेशन से लंबी है जिंदगी ये पहचानने में है कि आपको आपका वर्थ नहीं मिल रहा अब आप क्या करते हो wow. सिर्फ नाराज होने से नहीं चलेगा बिल्कुल गुमसुम रहने से नहीं चलेगा गाली देने से नहीं चलेगा खुद को मार्टर बनाने से नहीं चलेगा डाउन साउथ, भरपेट काम किया तभी तो मैंने इतनी सारी फिल्में कर ली। कैमरा क्या बोलते हैं उसको कैमरा बॉम्बर आइए इधर आइए बेटी है हमारी अरे वाह ये गो, गोवा में रहती है ना वैसे इनका नाम क्या है वैदेही वेही वेलकम How are you Maishona? I am good. How are you Maishona? I am good. Which class are you in? I am in third. So happy. And you are just coming from Goa? No, I just came from um, um, Lucknow. Lucknow. He is a storyteller, huh? You like stories? Yeah. Listening to stories? Listening, yeah. And also Listen. telling? Yeah, sometimes. That's more more fun, right? Yeah. It's more fun narrating stories than listening to them. <laughs> I agree with you. <laughs> <laughs> okay, bye. Love you, Shaina. Huh? See you. See you in the evening. Okay, love you, Vita. Wow. बच्चों को आ, व्यक्त करना सिखाना मुझे लगता है एक नेशनल कॉज होना चाहिए स्कूल की उम्र से ही कि उनके मन में जो है अगर वो मैथ नहीं पसंद करते हैं थिएटर पसंद करते हैं पोइट्री पसंद करते हैं वो उसकी जगह बनाना तो मैं यही कोशिश की है शुरुआत से वैदेही के लिए भी कि एक्सप्रेस करना सीखें तो आप आ, फिर एन तक कैसे रास्ता गया हिस्ट्री <coughs> पढ़ने पहुंचा हिंदू कॉलेज चाय मंगाओ थोड़ी हाँ जा सकते हैं अगर कॉफ़ी हो सके तो अमेजिंग हुए ब्लैक कॉफी तो कहते हैं ना भारत और इंडिया अभी जिसकी बात हो रही है उस समय उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस मिला हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ वहां पर आप हर एक को नाम से बुला रहे हैं और आप अलग अलग सिम्पोजियम अटेंड कर रहे हैं क्लास भी अटेंड कर रहे हैं आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप यू नो टीचर्स आपके साथ वन बात कर रहे हैं आप आर्ग्यू कर रहे हैं और वहाँ से आप पहुँच रहे हैं मंडी हाउस है द प्रिविलेज ऑफ ज्वाइनिंग संभव संभव जो कुछ एक बहुत सीनियर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर्स uh, ने बनाया था तब तो मैं नेशनल स्कूल ड्रामा नहीं गया था संभव की स्थापना भी इसलिए हुई थी क्योंकि उस दौरान सप्रू हाउस में बहुत ही फूहड़ गंदे uh, वल्गर पंजाबी नाटक होते थे और उसको हाउसफुल होते थे तो संभव ने तय किया कि हर महीने एक नया नाटक करेंगे अच्छा ये चैलेंज तब भी था ये तब भी चैलेंज था फोर कंटेंट हाँ वर्सेस हाँ। हाँ। अच्छा गुड वर्सेस बैड या या है ना वो तो जिसको आप कहते हैं गुड कोई और कहता है बैड तो तो बैड वर्सेस गुड के चक्कर में संभव खड़ा हुआ और ने कहा कि सप्रू हाउस एकदम पास में ही था हाउसफुल हो रहे हैं वहाँ पर हम लोग हर हर महीने एक नया प्ले करेंगे hmm. Can you believe it? Every month एक नया प्ले। wow. और वो नया प्लेयर होता था शो होता था और मुझे मौका मिला और मैं ज्वाइन किया मैं तो एकदम सबसे जूनियर मोस्ट था मैं और बट सब वो सब था लेकिन नेशनल स्कूल के दिग्गज थे वो लोग सब hmm. और यहाँ पर नाम से लेते थे यहाँ पर भाई बोलना पड़ता था तो इन बड़ा वो था परिवे चलो वो भी चलते थे <coughs> उसके बाद प्ले करते थे ये सब करते थे और शो के बाद उसका लोग पूछते थे भाई कैसा रहा बताओ वही कैसा रहा इन हिंदू ऑल्सो कि जो बोलते थे सो टेल हाउ 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 दिस डिबेट गो उसका आप अपने फ्रीली बात करते थे और यहाँ पर मैं देखता था हर दो तीन प्ले के बाद मैं जब फ्री फील्ड फ्रीली really फीडबैक देता था मुझे निकाल दिया जाता था, था ग्रुप से <laughs> <laughs> उसमें और भी कुछ एलिमेंट्स थे क्योंकि ये सब बातें होती थी कुछ लाल रंग का पदार्थ ग्लास में डल के जब प्ले के बाद बैठते थे सब लोग और मैं एक प्रोटेक्टेड फैमिली से आया था माँ माँ के घर से तो और भी खुल के पीता था एम श्योर बट इट वाज अ प्लेस वेयर आई केम टू नो कि यार दो वो बोल रहे हैं खुल के बोलो लेकिन खुल के बोलो मत एंड दो तीन बार निकालने के बाद बाई द टाइम आई ग्रेजुएटेड फ्राम क्या कहते हैं हिंदू कॉलेज दिन एटी सिक्स दोबारा निकाला गया मैं इतना नाराज हो गया खुद से और दुनिया से मैंने कहा कभी थिएटर नहीं करूँगा कभी एक्टिंग नहीं करूँगा एन एस जाने की पूरी तैयारी थी मैंने नहीं जाऊँगा उसी समय खुला था ये uh, एक uh, जामिया मिलिया में क्या था मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मास्क कम्युनिकेशन एनसीआरसी एनसीआरसी सी एम सी आर मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर हाँ आप वहीं के हैं ये वहीं के हैं तो hmm. में वो खुला था इफ आई एम नॉट मिस्टेक और एटी सिक्स में मैंने तय कर लिया मैं डायरेक्शन में जाऊंगा वहां पे जाऊंगा hmm. बहुत फिल्में देख चुका था बहुत थिएटर कर चुका था बड़े अमेजिंग था जाके उनका पहला एग्जाम हुआ जो सबसे आसान टेस्ट था रिटर्न टेस्ट था नाराज एनएसडी में नहीं फॉर्म ही नहीं भरा जाके इधर दिया रिटन टेस्ट हुआ बहुत आसान उन्होंने फिल्म दिखाई कहा उसके बारे में बोलो अमेजिंगली लिखा एग्जाम्पल्स दिए वगैरह वगैरह सब करने के बाद सब लोग जो मेरे साथ थे वो लोग अब सब मेरे साथ मेरे साथ वाइवा वासी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब तीन दिन बाद वाइवा वासी होने वाला है तो हम लोग पहला एग्जाम देख के वाइवा वासी की तैयारी की है सब करने के बाद मैं घर जाता हूँ अगले रोज़ एक खानापूर्ति के लिए रिजल्ट लेने गए रिटन टेस्ट का रिटन टेस्ट मतलब पाँच लोगों में से पचास लोगों को चूज करना है मतलब सिंपलेस्ट ऑफ टेस्ट और मैं फेल हो गया उसमें क्या मैंने कहा इतना सिंपल टेस्ट मैंने वाट बट एक बड़ी अजीब सी चीज हुई जैसे ही हुआ ना मैंने बहुत ज्यादा सिग्नल है कुछ मैं सोच ही नहीं सकता मैं इसमें फेल हो सकता कुछ समथिंग इज देर जो बाकी लोग थे ना मेरे से एकदम कट के अलग हो गए मतलब ये तो भाई तो फेल ही उधर निकले मैं वहां से निकला मैं एन लाइब्रेरी में गया और मैंने दोबारा बुक्स उठाई तो क्या हुआ एक साल इसलिए मैं नहीं जा पाया मैंने विनोद दुआ को ज्वाइन किया अच्छा विनोद दुआ के साथ मैं काम करता रहा और रिवर साइड स्टूडियो एक बैंक आप, आप, रिवर बैंक स्टूडियो था नाम भूल रहा हूँ इस वक्त रिवर बैंक स्टूडियो याद है किसका था माइक माइक पांडे साहब का माइक टुकमी अंडर हिम मैं उनके साथ काम करता रहा वो कर रहा था तैयारी कर रहा था एक साल पूरा मैंने उसमें बताया देन आई गॉट इन टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दोबारा करके कि ने ने नहीं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दोबारा एक ही बारी में, में मेरा हो गया बाई चांस और यू you नो know, पता नहीं कैसे हुआ जैसे मुझे पता नहीं मास कम्युनिकेशन में कैसे फेल हुआ बट आई सॉ सम सिग्नल फॉर मी कि यूं ही तुम नाराज़ हो गए ना छोड़ोगे नहीं कुछ तो दैट इज हाउ ड्रामा स्कूल स्कूल वॉज अगैन एट वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस मैंने सोचा था बहुत कुछ उधर आके मेरे को सिखा देंगे कोई तो मैं देखा कि इट इज एन एक्सपीरियंस उधर सीखना खुद को था hmm. और काफ़ी सारे स्ट्राइक्स हुए ये हुए वे हुए, हुए मैं क्लियर था कि मैं स्ट्राइक करने नहीं गया वहाँ पर तो मैं अकेला होता था दो तीन और लोग होते थे स्ट्राइक नहीं करेंगे अगर तीन साल आए हैं एक बहुत ही पुअर देश के हम स्टूडेंट हैं जहाँ पर हमको स्कॉलरशिप मिल रही है थिएटर पढ़ने के लिए स्ट्राइक नहीं करूँगा hmm. करके हम लोगों ने पढ़ाई की तीन साल पढ़ाई की और वो पढ़ाई करने के बाद बाहर निकला एंड देन एक्ट वन हैपन एंड ग्रेटफुल टू एनके मैं कहें बाहर निकला तो फिर पता नहीं मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ कि मुझे कमाने हैं पैसे लेकिन कैसे कमाऊँगा पता नहीं एंड एन के वॉज थिंग फॉर मी और के अलाउड एंड आई लर्न अ लॉट वाइल वर्किंग इन एक्ट वन चाहे वो स्ट्रीट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसेस हो चाहे प्लेस हो चाहे जस्ट इंटरेक्शन्स हो हाँ और खैर हम लोग सब जो थे वो यू नो बाजू आ, बाजू तो मेरे साथ हम लोग थ्रू आउट कॉलेज हम लोग दोस्त थे संभव के टाइम से ही हम लोग दोस्त थे घनिष्ठ दोस्त थे यूज़न ऑफ द क्लोजस्ट पीपल जिनके साथ मेरे थिएटर जर्नी में मेरे साथ रहा तो ही वॉज ऑलरेडी ही वॉज डूइंग ने टू आट टाइम एक्ट वन में खैर वो हुआ पर वो जो दो साल नाइन्टी टू नाइन्टी टू जो एक्ट वन का था जिसमें जब शहर हमारा सोता है होली ये सब प्लेस करने के बाद इट वॉज अ वो उसने मुझे रियली प्रिपेयर किया अबाउट हाउ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस जो आपके टीचर्स नहीं हैं तो उसने मुझे कुछ वो एक्सपीरियंस दिया एंड राइट आफ्टर दैट आई गॉट सरदार और uh, सरदार मुझे मिला थैंक्स टू बज्जू भाई और सुहासिनी मुले द कास्टिंग डायरेक्टर केतन मेहता की फिल्म सरदार स्टार्टेड हैपनिंग एंड इवन एज सरदार वॉज बींग शॉट, सईद मिर्ज़ा एक दिन आया वहाँ पर अक्टूबर नवंबर हल्की सी बारिश हो रही ठंड uh, बजू भाई ने मिलवाया कि ये अच्छी एक्टिंग कर लेता है सईद ने कहा कुछ करोगे मेरे लिए मैंने कहा हाँ तो उधर रविंद्र भवन में जाके एक रूम में मैंने उनके लिए परफॉर्म किया तो उन्होंने कहा तुम बम्बई आ जाओ फिल्म करेंगे साथ एंड सो दैट्स व्हेन आई मूव टू बॉम्बे एक फिल्म जिसका नाम है कुत्ते uh, की मौत कौन सा साल रहा होगा वो? Uh, ये 92 ओके okay. वो अलग बात है कि फिल्म कुत्ते की मौत कभी बनी नहीं hmm. पर मैं बम्बई पहुंचा उसके चलते और uh, वो जो बम्बई पहुंचा आफ्टर दैट इट वाज मैंने देखा कि आई एम बींग कॉल टूवर्ड्स माई पर्पज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माँ बाबा तो मुंबई के बाद वो जो पूरी जर्नी थी वो मुश्किल था दिल्ली छोड़ना अरे मतलब आ, आ, मुश्किल मैं ऐसा कहूँगा कि डर नहीं था mm -hmm. उस समय डर नहीं था वो जो कहते हैं ना कि वेन इन डाउट मूव सो आई वॉज इन मूवमेंट तो मैं आ, ये जान चुका था कि जाना ही है और वहाँ पर एक ही मेरे दोस्त थे विशाल और रेखा वो जोरा गाड़ी नगर में रहते थे तो पहली शाम पहले दो तीन शाम उनके घर बिताई और उसके बाद एक घर लिया और एक महीने वहाँ रहा फिर उस आदमी ने बाहर निकाल दिया क्योंकि उसे लगा मैं जादू टोना करता हूँ क्योंकि मैं लाइन लर्न करता था बाथरूम में अच्छा तो फिर ऐसे करते बहते देन इट वॉज वस... उसके बाद वो शुरुआत हो गई कि अब यहीं पर है जो कुछ है पेरेंट्स टू ओल्ड टू यू टू अर्न योर लिविंग और मैं जा पाया क्योंकि माँ को उसी दौरान संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला था और पूरी ज़िंदगी काम करके उनके पास जो एक मुश्क पैसा था वो था वो बीस हजार रुपये और माँ ने मुझे दिया और मैं वो लेकर मुंबई पहुँचा और उसके बाद माय पॉइंट वाज उसके बाद अगेन फियर ड्राइविंग मी ऑन बट इन अमेजिंग स्पेस व्हेन आई वाज लुकिंग हर रोज़ सुबह सुबह काम पे निकल जाना मेरे पास हीरो होंडा थी माँ ने अपना प्रोविडेंट फंड तोड़ के मेरे को दिया था उसको लेके घुमा करता था ऑफिस जाता था ये जाता था दोपहर के वक्त जो लोग लोकल Uh, वहाँ रहते थे वो लोग अपने घर चले आते थे हम लोग और घूमते थे कि उस समय और कम एक्टर्स थे तो उस समय जो एक्सपीरियंसेस हुए, हुए और ऑल दैट पार्ट ऑफ डील मतलब उसमें कोई ज़्यादा रोमांटिसिज्म उसकी ज़रूरत नहीं है पर uh, उसी दौरान सडनली एक दिन द्रोहकाल की बात हुई गोविंद जी पहले देख चुके थे इन्होंने कहा आज भी मुझे नहीं पता मुझे कैसे मिली वो फिल्म और uh, वो हुआ ध्रोहकाल वॉज अगेन उस परफॉर्मेंस के लिए मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेता हूँ मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में आई जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गोविंद जी मतलब एकदम कुछ नहीं पता मुझे मुझे कुछ मैं बस किसी तरीके से एनी थिंग no और एक मेजर रोल कर रहा था मैं द्रोहकाल देखी थी मैंने और थोड़ा बताइए उसके बारे में और अपने पार्ट के बारे में तो भद्रा ऑफर किया पढ़ाया राजकमल स्टूडियो में हम शूट करते थे जब भी गोविंद जी के पास पैसे होते थे, थे में स्टोरी। वो आ, उस जगह को कभी रिवील नहीं किया गया है इस तरीके से पर मिलिटेंसी के ऊपर थी कभी कुछ वो नहीं गया द्रोहकाल इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कोई शब्द नहीं है वो शब्द गोविंद ने बनाया द्रोहकाल, काल ही वॉन्टेड द एज ऑफ ट्रीजन ब्यूटिफुल ध्रोह तो वैसे बना द्रोहकाल. काल तो लास्ट सीन एच है मेरे माइंड hmm. में आई हैव नो मेमोरी ऑफ दैट मैं बता रहा हूँ कि कुछ रिवील होता है कि hmm. वो yeah, धनुष हाँ hmm. तो हाँ। hmm. तो, तो वही बताता हूँ कि जब वो होता है एंड देन ध्रुवकाल हो गया उसके बाद जब जब पैसे होते थे गोविंद जी को गोविंद जी बुलाते थे शूट करते थे बहुत बहुत कम में गोविंद जी ने उस फिल्म को बनाया और उसके बाद इट वेंट इन फॉर नेशनल अवार्ड्स के उसके लिए और फिर श्री चेतन आनंद जी ही वॉज पार्ट ऑफ द जूरी इज हेड ऑफ द ज्योरी और मुझे फिर नेशनल अवार्ड मिला yeah. और बाद में वो मुझे मिले और उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ मेरे पास मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर था कि दो और लोगों को चूज करूँ पर आई स्टूड अप क्योंकि तुम्हारे लिए देर वज नो वन वोटिंग फॉर यू एंड आई गॉट दैट अवॉर्ड और <laughs> इसकी कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ कि मतलब नेशनल अवार्ड जब मिला तो मैं शूट कर रहा था फिल्मालय में तब uh, गोविंद जी ने बोला मुबारक हो मेल लैंड चाइना बुक करते हैं पार्टी है विच वॉज़ एट अंधेरी ईस्ट तो मेरे दोस्त प्रदीप के साथ में वहाँ गया और फिर उसको ये बोलता रहा कि प्रदीप पैसे से आएंगे <laughs> तो खैर जाके हम लोगों ने दो टेबल बुक करे एक गोविंद जी होंगे और दो तीन और लोग होंगे दो टेबल साढ़े सात बजे गोविंद जी पहुँचे क्या बुक किया है मैं वो दो टेबल देखा ये पूरा उसके बाद एक एक करके लोग आने लगे गले मिल रहे है मुझसे गले मिलते ही लोगों को ड्रिंक्स ऑफर हो रहा है खाना खा रहे हैं लोग प्रॉन्स खा रहे हैं ये खा रहे हैं मैं सर सोच रहा हूँ कि इतने पैसे में दूंगा कैसे आशीष प्राउड ऑफ यू क्या बात है आशीष वेरी वेल अमरीश जी आ रहे हैं नसीर भाई आ रहे हैं ओम जी आ रहे तो मिल रहे हैं। दूसरे लेवल पर ये लोग आ रहे हैं सब लोग मनमोहन शेट्टी जी आ रहे हैं सोच रहा well इसके पैसे में कैसे दूंगा बेटा तुम क्या ले रहे हो गला एकदम खराब है जस्ट इंग वार्म वाटर मैं, मैं नींबू उठा के दे ले रहा हूँ उसके में नींबू पानी भी के भी पैसे ना लगे दस साढ़े दस बजे आई समहा ऐसे कहा मैं गोविंदी इफ यू डोंट माइंड आज अगर आप इसको जरा सा क्लियर कर दें मैं अब मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ कितने दिनों की मोहलत मांगूँ कितने साल की मोहलत मांगूँ इसको क्लियर करूँगा मैं करूंगा आज अगर आप इफ यू जस्ट पेट ना आशीष इट्स माई पार्टी कहा वॉट पार्टी प्रॉन्स लाना No rice, only <laughs> उसके बाद यू यू रियलाइज दैट पॉइंट भैया पैसा कितना जरूरी है hmm. इतना घबराया हुआ डरा हुआ छोटा फील कर रहा हूँ मैं कि इनको बताऊँ कैसे कि ये आ गए हैं मेरी पार्टी में मैं इनको खिला नहीं सकता हूँ यू नो इट्स लाइक हॉरेबल फीलिंग एंड दैट आई थिंक जस्ट वर्क भी मैंने कहा कि नहीं चलेगा यार आई हैव टू डू बिकॉज कमर्शियल है करने पड़ेंगे क्योंकि तब बहुत क्लियर डिवाइड था कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एंड दैट्स यू नो आई कॉन्शियसली डूइंग कमर्शियल फिल्म बड़े पेनफुल लगते थे मुझे पर hmm. मैंने करना पड़ेगा ज्यादा टाइम नहीं है माँ बापा के पास ज्यादा टाइम नहीं है बट टू थाउजेंड वन और समथिंग मैंने दक्षिण में काम करना शुरू किया मुझे मेरे दोस्त ने बोला भाई लोग बंबई आते हैं तो बम्बई छोड़ के जा रहा है मैंने मैंने पता अपने आप को एक बात कही मैंने कहा अगर आशीष तेरे पास टैलेंट है और पैशन है तो हिंदी में फिर काम करेगा okay? <laughs> मुझे कोई इंथ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं खुद को इंथ्यूज कर रहा हूँ एंड आई वेंट आउट आउट और जब मैं बाहर गया बहुत मज़ेदार पीरियड था पीपल स्टॉप टेकिंग कॉल्स हेयर जो लोग मुझे जानते थे तो कॉल्स नहीं लेते थे तो बीइंग ब्लैंकट आउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एक आपको ना हम सबको एक काइंडनेस की आदत हो जाती है hmm. बहुत अच्छा है बहुत प्यारे लोग हैं बहुत ही प्यारे लोग हैं hmm. उसका लगता है कि दुनिया ऐसी नहीं है यार दुनिया है अपनी तरह है। जब काम कर रहे हैं तो आवर ए ग्रेट फ्रेंड काम नहीं कर रहे कौन तू Hmm. और मैं समझ पाता हूँ कई बार लोगों को लगता है उसका कॉल ले लिया तो उसको इतनी बार कैसे ना कहेंगे hmm. उनको भी लगता होगा बट यू रियलाइज दैट्स हाउ इट इज यू यू अंडरस्टैंड इज द बिजनेस ऑफ फिल्म मेकिंग किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझे काम दे तो आप जब ये समझ जाते हैं तो उसका आप इट इट इज इट इज माई बिजनेस टू मेक श्योर दैट फूड इज देयर ऑन माई टेबल ट माई चाइल्ड इज बिंग टेकिंगयर ऑफ माई फैमिली इज बिंग सॉर्टेड वो आपके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसीलिए वो मैंने खुल के किया दो तो केयर ऑफ सारी फिल्में करी पर कीड़ा था कि हिंदी में करूँगा तो लगा रहा और मेरे ख्याल से तेरह साल वहाँ पर सिर्फ फिल्में करी, उसके बाद मैंने 2014 या 15 से दोबारा यहाँ पर जोर से नॉक करना शुरू किया अगेन दोबारा शुरुआत अरे तुम तो चले गए थे यार तो ही नहीं यहां पर हो गया अगैन चलो एक्टिंग ओ बना वेरी गुड एक्टर वेरी गुड एक्टर अगेन बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें एक हमारे मित्र जिनको अच्छे मित्र हमारे इनके थोड़ी मदद भी की थी बहुत शुरुआत में उनके ऑफिस गया वो और एक और मित्र चेयर पे बैठे हुए हैं मुझे ऐसे सामने बिठाया और मैं यार कुछ काम करना है यार सच गुड एक्टर यार क्या लगता है क्या करना चाहिए इसको सर भाई साहब मैं एक दोस्त के आया मैं कमिट हो चुका हूं उस आदमी ने वो आधा घंटा ना मुझे लग रहा था जमीन फट जाए मैं अंदर घुस जाऊं अब मैं उठ नहीं सकता हूं पता है आप यहां पर आए यार कुछ इंटरेस्टिंग करना है उसने दोनों ने मिलकर जो डिस्कस किया ना इसको हेयरकट ये मेरे को बता रहा है तो थोड़ी देर बैठा मैं मैं यार चल यार चलता हूँ मैं जस्ट वर्क ऑन दो बाहर निकला यू नो इट्स एन अमेजिंग थिंग आप फ्री हो जाते हैं दोस्त कि आपको ना जब जरूरी है कि कुछ जगहों से आप अपनी उम्मीद हटा दें बहुत ज्यादा जगह पर उम्मीद रखेंगे ना तो आप फिर वेट ही करते रहेंगे तो ये पूरा ये पूरा दौर ऐसा था कि कुछ एक दरवाजे आपको दिख गए अच्छा क्लोज 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 आ अब जरा यहां पर काम करो आई बिकेम मोर पॉइंटेड अपॉइंटेड हा हेलो हाँ वो नहीं इट ओके okay. वो आएगा मेरा आएगा सो नाउ दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट वे वेर यू रियली इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो सम पीपल जरूरी है जैसे आप उस ए, एक मिराज में ना यकीन करो किसी की बड़ी बातों पर यकीन मैं उसके बाद से <laughs> मैं मीटिंग्स में नहीं जाता हूँ जो लंबी मीटिंग चलती है मिलते हैं बात करते हैं मैं कुछ बात करने को नहीं मैं एक्टर हूँ ये मेरा डेट है आप बताइए मुझे करना है तो कर करिए मैं मिलते हैं बात करते हैं वो नहीं करेंगे स्क्रिप्ट आपने भेज दिया मैंने पढ़ दिए ये रोल नहीं करूंगा ये रोल करूँगा ये, ये आप करवाना चाहते हैं ज़रूर कर सकता हूँ ज़्यादा लंबी बातें मत करिए मुझे मुझे मत समझाइए देखते हैं मत करिए क्योंकि मैं आई एम देर आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर मैं अमेजिंग काम करूँगा ये मेरा कमिटमेंट है मैं और प्रूव नहीं करूंगा आपको कुछ बहुत सुंदर तो शाम हो जाने दें हम अब सर। और शाम होने का है और आपके तुम्हारे पास 40 45 मिनट है कि उधर एकदम ही इवनिंग वाला सेटअप हो जाए अच्छा मैं बता रहा हूं आपकी बात नहीं आप लोग प्लीज खा लीजिए मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी आप लोग खा लीजिए और अगर हो सके आप आपको खाना है ना अभी ऐसे भूख तो हम लोग हम लोग जरा जाके होके आ सकते हैं वहाँ पे तो टीम चलेगी। फिर आपका खाने का है वो हो गया हो या तो फिर निकलते हैं फिर भी बैठ जाते हैं हां नमस्ते नमस्ते अच्छा आप लोग तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठ जाएं ऐसे गपियां लें आप लोग फिर आइएगा आपके साथ फोटो खींचूंगा पक्का ये क्या है अरे तो नूडल्स बनेंगे इसके इसके बनेगी गुजिया बनेगी अच्छा गुजिया बनेगी इसकी तो हैदराबाद में एक दुकान है उसका नाम है जी पुल्ला रेड्डी तो जी पुल्ला रेड्डी में ऐसी ही गुजिया बनती है अच्छा। उसको कहते हैं खोवापुरी अच्छा तो कभी आप वहाँ जाए तो जी पुल्ला रेड्डी में खोवापुरी जरूर है हा हा बैठो आप तैयार है <laughs> आप तैयार है भाई। हम शुरू कर सकते हैं सोए थोड़ा हाँ मैं एकदम टक से हो गया था सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ यार hmm. और दोपहर तक भी मैं अगर किसी को मिलूँ और कहता हूँ तो शाम को मिलते हैं पांच साढ़े पांच बजे मुकरने के तरीके ढूंढता हूं आज मैं दोपहर में जरा से आधा घंटा स्लो होना चाहते हैं आप जीवन में हम्म कुछ देर के लिए जैसे मैं आज यहाँ पर आते आते ही महसूस कर रहा था आज सारा दिन यहाँ बिता मैं रिदम में फ़र्क लाना अच्छा लगता है मुझे तो मेरे सब मित्र भी मुझे कहते हैं कि मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ इधर उधर दौड़ एक्चुअली है नहीं ऐसा मैं अपने आइलैंड्स ढूंढ लेता हूँ बीच बीच में करते 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 टक से एकदम से आधा दिन ऐसे ही पढ़ा रहता हूँ कुछ ना करे हल्का हिल के भी फोन वोन सभी ही रहते हैं हल्का से ऐसे करते हुए कुछ करता रहता हूँ उसका तो मैं रिदम चेंज करता रहता हूँ हाँ ये जरूर है कि बहुत ज्यादा देर स्लो के करीब मुझे नहीं लगता मैं पाऊँगा ज्यादा देर इट कैन बी एन इट कैन बी एन ऑफ बीट इन द बीट और वो करता भी हूँ जैसे मेरे दोस्त सुनील और अमला का घर धर्मपुर में और मेरे लिए उसके शब्द ही है मैं घर कहता हूँ और घर में जाके मैं पढ़ा रहता हूँ पढ़ा रहता हूँ बोल के तो पढ़ा रहता हूँ अब हम लोग मंडी हाउस में कहा कर, करा कर हम लोग बावलपुर हाउस की लॉन्च में ऐसे पड़े रहते थे और ख़ास ठंड में जो धूप धूप और छाँव जब डेंकती थी ना आप भी हल्के से हिलते थे तो थोड़ी देर और धूप मिल जाए ना बस ज़्यादा करके मूव नहीं करते हल्का सा मूव करके जाए थोड़ी सी और धूप मिल जाए थोड़ी देर और तक मिल जाए तो पड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है पर ज़रा देर के लिए डेस्टिनी में प्रारब्ध में विश्वास करते हैं एक बात तो तय है कि चीजें होती हैं बियॉन्ड व्हाट वन एस प्लान तो उसके लिए शायद शब्द वही है ये ना सोचा था कि यहां होगा इस वक्त फेटलिज्म में ये ये मैं जानता हूँ कि बाय चांस मैं ज़िंदा हूँ बाय चांस पैदा हुआ कोविड के बाद तो और भी क्लियर है कि बहुत अच्छे लोग नहीं रहे भाई तो बाय चांस जिंदा हूँ अस्पताल होकर आया था और चांस ये मौका मिला है अब मेरा ये मानना है फ्री विल का खेल इस मौके से है कि अगर बाय चांस मैं यहां पर हूं तो क्या कर रहा हूं इस मौके से ये है मेरा फीवल एक नटखट खेल भी है ना यूं ही कि अब तो किस्मत ही लेके जाएगी मुझे जहां थोड़ा सा बाएं चलो थोड़ा सा दाएं चलो उ, 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 खेल तो है यार चलाते हैं सिर्फ उसको छोड़ देना कि नहीं अब तो बस ऊपर वाला ही करेगा जबकि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ तो आपने सवाल पूछा वेंकटेश गारू के साथ मैं शूट कर रहा था राणा नायडू और मैं एक जिंदगी के एक बहुत ही एक उतार चढ़ाव के समय में था दो ढाई साल पहले और वेंकटेशरू बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है उनके उनको देख कर ऐसा आशा, एहसास नहीं होता है कोई दस पंद्रह साल पहले मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने मुझे मुझसे अद्वैत की बातें की उसके बारे में पढ़ाई की उन्होंने कुछ सजेस्ट की कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी ये दस पंद्रह साल पहले की बात है और अब दो तीन साल पहले जब कुछ हो रहा था जिंदगी में तो ऐसे ही मैंने एक दिन शूट में कहा कि वेंकटेशरू थिंग पूरी बात सुनकर उन्होंने एक ही कहा लिमिट है और उसके बाद में उनसे मिल नहीं पाया हूं लेकिन आई डू गेट दैट जो हुआ तब या जो हुआ अब मेरा किया नहीं है मेरा करा नहीं है वो हुआ वही जो आ, किसी ने चाहा, hmm. तो डेफिनेटली मैं ये आ, मैं विटनेस हूं कि चीजें होती हैं लेकिन हाँ लेकिन मैं उसके अंदर अपनी कुछ कोशिशें करता रहता हूँ रिलीजियस या स्पिरिचुअल हैं आप ये, तो ये शब्द ही मेरे को समझ में नहीं आता है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी सडनली कोई आपको आप कोई ऐसी बात कह दोगे फिर लोग कहेंगे और तो बड़े स्पिरिचुअल आदमी है आ, किसी बड़ी ताकत में विश्वास करते हैं अपने से बड़ी करता हूँ पर उसकी बात नहीं करता हूँ मतलब मैं उस डिबेट पे नहीं पढ़ता Uh, जैसे मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूँ बार बार कि लगाव वो मैं कुछ प्रयास या कुछ दिशा मैं कहता हूँ कि ऐसे देखते रहो जाना है बात करते चलो ऐसे देखते चलो hmm. मन से चाहो मैं आई डू फील प्रोटेक्टेड अगेन वो बात है अकेलेपन की जो बात है ना इसमें लेयर्स जो हैं आई फील प्रोटेक्टेड देयरफॉर आई आई लव दिस जर्नी ऑफ जब मैं यूं ही अलहड़ चल रहा हूं कुछ क्रिएट कर रहा हूं आई फील प्रोटेक्टेड इसीलिए मैंने कहा कि उस जर्नी के दौरान मैं डरता नहीं शायद शुरुआत होती है कहते हैं बस कुछ किया जाए शायद मुझे जड़ होने से डर है अगर मैं सोचूँ ना जैसे कुछ साल पहले एक मेरे दोस्त मुझे एक बहुत बढ़िया जगह पर लेकर गए गज़ब का सेटअप था बहुत अच्छे हेबक थे और गजब का व्यू था मैंने तो कहा दो तीन दिन अब यहीं पड़े रहेंगे मैंने कहा बिल्कुल नहीं कुछ घंटे पड़े रहेंगे शायद फिर निकलेंगे यहाँ से तो वो जड़ होने का डर है पर मूवमेंट का शौक है और बताया न स्कूल और कॉलेज में मैं बहुत किताबें पढ़ता था एज ए वोरेशियस रीडर ड्रामा स्कूल के बाद जब मैं बम्बई पहुँचा तब से पढ़ाई किताब की आदत एकदम छूट गई अटेंशन स्पैन कम हो गया और अब कई सालों से तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ता हूँ मैं कंज्यूम करता हूँ एकदम उस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज इंटरव्यूज़ लोगों की बातचीत सोच मैं कंज्यूम करता हूँ और साथ साथ घूमता हूँ और लोगों से मिलता हूँ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने डिस्कवर करी है किताबें हम चुनते हैं ना ये ये किताब पढ़ता पर हूँ ये, ये वाली या yeah, ये फिल्म देखते हैं हम लोगों को नहीं चुनते जिनको हम मिलेंगे और आई बीन सरप्राइज पीपल आई मीट आज सुबह से आप मेरे से बात कर रहे हैं इन शॉर्ट्स के दरमियान में आपसे बात कर रहा हूँ है ना मम्मी चॉइसेस यू आर मेकिंग है ना और आप भी मेरी तरीके से एक इंसान है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं कितनी अलग चॉइसेस हैं आपके क्या ये एक और की पॉसिबिलिटी है क्या हाँ। हाँ। तो ये दही तो ले आए थे तो ये बहुत बढ़िया ब्लू पॉटरी में जाएगी मजा बता गया भाई आ, हा, हा, हा। अचानक आपके जीवन में एक नया अध्याय खुला सोशल मीडिया पर एक नए रूप में एक नए नए अंदाज में आए और लाखों लोगों का दिल जीत लिया उस यात्रा के बारे में बताइए रेश ये जब आ, सोशल मीडिया तो खैर कई सालों से ही रहा बट मैं जब सिर्फ अभिनय का काम कर रहा था तो तो फिर मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोग मेरे से ऑटोग्राफ लेते थे मतलब सेल्फी भी शुरू हो गई थी बस बहुत तो अच्छा लगता था पर पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि फाइनली लोग खुश हैं इसलिए कि मैंने बहुत अच्छा रोल किया और क्या किया मैंने क्योंकि अभी तो मैं वो वो अच्छे रूल्स तो अभी मैं नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ वो सब है कि आप कह रहे हैं कि आप आप इस रोल को अच्छा कह रहे हैं लेकिन मुझे और भी अच्छा करना है जो अभी तक नहीं मिला है अब उसमें लगे बढ़े आप लगे इट्स नॉट दैट इट्स अ फैक्ट पर मैं कह रहा हूँ कि आप लगे बढ़े दैट इज द पॉइंट वेयर यू नो आई गॉट इन टू मोटिवेशनल स्पीकिंग दो हजार तीन चार की बात है और जब मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग करने लगा तब मैंने कहा कि यार मैं पता है जब मैं टॉक्स करने लगा जो ऑर्गेनाइजेशन में जाता था तब लोगों ने कहा यार फर्क पड़ रहा है हमको अच्छा लगा तो मैंने कहा अब करते हैं सोशल मीडिया hmm. अब इस बात को दुनिया भर पहुंचाते हैं भाई सभी इंस्टाग्राम शुरू किया गया और जो भी सब चीज़ें होती हैं शुरू की कुछ नहीं हुआ भाई साहब पता चला कि दुनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं था मोटिवेशन में लगातार लगे चला हूँ यार यूट्यूब चैनल भी बना लिया है आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल नाम से डेढ़ दो साल में कुछ बीस हजार लोग उसके सब्सक्राइबर बने बड़ी मुश्किल से हफ्ते में तीन वीडियो डालता था अलग अलग चीज लोग जिसके लिए मुझे पैसे देकर बुलाते थे, थे उसको मैं फ्री में इसमें डालता था <laughs> कोई नहीं देखता था बीस हजार लोग सब्सक्राइबर बने दो ढाई साल बाद उसी दौरान जैसे जिंदगी में जब एक करवट सी ली तब इन अ वे टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ मैंने कहा कि मुझे अपने ऊपर से नजर हटानी है एक तरीके से थेरेपी का काम करना है मुझे अपने ऊपर मैंने कहा कि कोई वो बोतल में जो सामान है उस चीज़ को तो नहीं छूंगा मैं क्योंकि मुझे मोगली की पढ़ाई पूरी करनी है तो वो बड़ा जरूरी होता है वो है ना कोई एक चीज़ कोई एक चीज़ चाहिए जो आपको ना एक, ना एक बीकन तो मेरे लिए बीकन था मोगली की पढ़ाई जैसे एक समय आ, माँ बाबा बाबा exactly. की पढ़ाई मोगू की पढ़ाई करनी है तो आई है मतलब नो no वे मतलब कोई कट ड्रामा शराब को हावी नहीं होने दिया मतलब एकदम टकाख निकल लिए मतलब नहीं तो आ, औ, औ, और दूसरा बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं ना जब आपका जब आप हिले होते हैं ताबे एज ए स्टार्टेड कंज्यूमिंग कॉन्टेंट एनसली एक गोप्रो बोल के हाथ लगी मैं जाकर खरीद किया मैंने गोप्रो नाइन और जाके मैंने ऐसे ही कुछ शूट करना शुरू किया और मेरे साथी स्वप्निल सुना बने मेरे उस समय छब्बीस साल के मेरे साथी ट्वेंटी स्वप्निल ने एक दिन ऐसे ही साथ जाके तो एक रील बोल के एक चीज हुई है भाई क्या होता है भाई कहते आप आपको खाते हैं हम खाइए तब तभी तभी छुटा था ये अब कोविड तो बड़ा पाव जाके बंसी बड़ा पाव है हमारे यहाँ गोरेगा मलाड में जाके उन्होंने कहा आप कुछ खाओ आप तो मैंने खाया क्या सर आप वो बोलो ना जैसे आप कहते हो मुझे कहते हो ना आप मजा आ गया यार तो खाया आ, गया मजा तो गया बोला फिर आप एक बार बोलो नाद गुड़े विषय मैं क्या बात करें बोलो ना आप मतलब क्या होता है कहते मतलब कमा ठीक है हाँ। विषय करके मैंने खाया और फिर मैंने कहा कि वैसे है मैं, मैं देख देख अंदर ये देख ये पूरा आलू है ये है ओह गर्म है भाई भाई भाई, भाई बहुत गर्म है करके एक और खाया मिर्ची डाला उसने वो शूट किया मुझे बाकी पता नहीं मैंने और उसके बाद हमने दो तीन ऐसा शूट किया दैट स्टार्टेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम तब तक इंस्टाग्राम में हम कुछ स्ट्रगल से कर रहे थे कुछ दस पंद्रह हज़ार उसमें यह पता नहीं कितना इतने याद भी नहीं चलता हाँ बहुत कम से नंबर से उसमें इधर वो था और यूट्यूब में, में रख करते वहाँ पहुँचे थे साथ साथ गोपरू के साथ बैठ मैंने उस दौरान मैं कुछ फिल्म कर रहा था ट्रिसविट डेस्टिनी ट्रिस्विट डेस्टिनी वो था ट्रायल बफायर शूट कर रहे थे हम लोग दिल्ली में तो मैं गोपरो लेकर गया मैंने कहानी क्या था ट्रैवल्ड इन डेली एक और चीज सिखाई कैमरा, है ना यू ने कैमराफ उसने बोला लुक इन टू कैमरा, दिस योर फ्रेंड ये अरुण है इससे बात करो आप तो मैंने बात करनी शुरू करी उस कैमरा से एंड मैं क्लिनिकली में अप्रोच कर रहा हूँ उस बोले को अगेन क्योंकि आई एम डीलिंग विद आई विल लर्न समथिंग न्यू और मैं गोप्रो विच इज एन एक्शन कैमरा अदरवाइज स्टार्टिंग रहता है ऐसे माथे पर लगाया जाता है इधर आई स्टार्ट यूजिंग इट एज समय में मोबाइल मोबाइल करता था मैं उसको घुमाता ओवर द शोल्डर ले जाता था फिर लोगों से बात करता था इसके बारे में और फिर ले आता था, था। और मैं डॉली इन डॉली आउट ये सब करने लगा मैं आई स्टार्ट प्लेइंग में और फ्रॉम जून टिल ऑक्टूबर शूट करते रहे और अक्टूबर में हम लोगों ने नया चैनल शुरू कर दिया है पहला उस तरीके तो तो से नाम रखा आशीष विद्यार्थी एक्टर ब्लॉग्स एंड बाय डिसम्बर इट हैड वन लाख मतलब यकीन नहीं हो रहा था क्या हो रहा है सडनली वो ढाई साल में बीस हजार ये दो तीन महीने में एक लाख लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दैट चैनल हैज नाउ रीच्ड एटीन लाख सब्सक्राइबर्स और सडनली वो जो यूट्यूब पे जो मैं रील्स बनाने शुरू करे खाने के जहाँ मैं खाने की अप्रिशिएट करता हूँ और छोटी छोटी जगहों पर जाकर खाने का शौक है मुझे वो करता हूँ एंड इंस्टाग्राम रीच्ड सम आई थिंक 1.4 पॉइंट मिलियन पहुंच चुके हैं हम लोग फेसबुक भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया हमारा कुछ एंड मच लार्जर नंबर सो वन थिंग विच आई डिस्कवर्ड इज दैट नाउ आई वॉज डायरेक्टली रीचिंग पीपल मैं कहानियां कह रहा हूँ मेरे अंदर कभी भी शायद वो इमोशनल स्टेमिना नहीं होगा कि मैं फिल्म बना सकूं, लेकिन मैंने कहा यार वो 25 मिनट की मैं शॉर्ट फिल्म से बना ही सकता हूँ जो ब्लॉग्स होते हैं मेरे so, you know, we इसके बाद उस चीज को लाते हैं बता नहीं सकता हूँ क्या खुशी होने लगी क्या खुशी होने लगी अरे मैं कुछ कर रहा हूं यार आई एम नॉट वेटिंग में रहा था ना no, और इसी दौरान कुछ ऐसी बातचीत करनी शुरू कर दी लोगों के साथ वो कैप्चर करना शुरू किया सो सोशल मीडिया रियली री इनवेंटेड इट गॉट मी बैक टू लाइफ वो जो था ना कि पहले आ, 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 वो जो पहले वाले एक्टर है ना वो सडनली फूड रील्स करते हो ना आप हाँ हम आपकी पिक्चर भी देखते हैं सडनली आई बिकेम अलाइव सो अभी जो मुझे लोग जानते हैं जो मैं देखते हैं और, और मज़ेदार बात है कि ये जो इंस्टाग्राम है जैसे हम लोग उसमें भी अच्छा हो रहा है मैंने रियलाइज किया है कि जो सी है वो काम के वक्त लिंक देखता है पर बाकी टाइम इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर रहते हैं टिंग स्टार्टेड गेटिंग आई वॉन्ट टू एम्बॉडी जो बहुत कुछ करता है जो अभिनेता भी है जो स्पीकर भी है जो खाने को भी अप्रिशिएट करता है जो, जो इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बैठ के गफियाता भी है आप समझ पा रहे हैं hmm. तो सोशल मीडिया मुझे मेरे बहुआयामी रूप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया कर लू क्या मैं वो भी करना चाहता नहीं कर पाया एंड इट वाज अ ग्रेट लिबरेटर एंड दैट्स व्हाट आई एनकरेज पीपल डोंट से दैट इट इज नॉट फॉर यू आई स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया अराउंड द एज ऑफ 56 और लोग कहते हैं नहीं हमारी उम्र की चीज नहीं भाई इट हैज बीन इट इज बीन मेड इन सच ए ब्यूटीफुल वे कि हमारे आप जैसे सो so मेरी एक लाइन है ड्यूरिंग माय टॉक्स आई से आई एम एट द The vintage of 65 at the vantage of 2024। wow. पैसठ की समझ है जो पैंसठ की पैदाइश की समझ है और mm. ये ये 2024 की जो जो गैजेट्स है ये हमारे पास अवेलेबल है mm. हम इसके साथ कहानियां सुना सकते हैं अपनी कहानियां लोगों को बता सकते हैं एंड यू नो दैट्स वेरी इट्स वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ इसके अंदर एक नटखट बन है हम लोग कुछ कर रहे हैं कुछ क्रिएट कर रहे हैं एंड आई कैन डू इट मैं आपके साथ इस गेम को कहीं भी खेल सकता हूँ जो है ना ये फ्रीडम सोशल मीडिया गेम सोशल मीडिया ने मुझे न जाने कितनी चीजें सीखने का मौका दिया क्योंकि आई स्टार्ट नाउ कंज्यूमिंग डॉक्यूमेंट्रीज इन मोर हाउ थिंग्स आर एडिटेड हाउ स्टोरीज आर टोल्ड डिफरेंट वेज वो लोग कोई फिल्म मेकर नहीं है लेकिन फिल्में बना रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी हूं मैं भी बनाऊंगा mm. आप समझ पा रहे और मैं लोगों को एनकरेज करता हूं योर स्टोरीज ईच वन ऑफ हैज यूनिक दैट इज ऑफ कहते ना कि मैं अभिनेता भी हूं आई एम ऑल्सो अपने दोपहर तो में कहा था कि बहुत से उतार देखे आपने किस तरह की प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ और अभी लास्ट ईयर ही एक आई सॉ दिस इंटीग्रेशन ऑफ माई मैरिज ऑफ चौबीस साल तेईस चौबीस साल की शादी डिसइंटीग्रेशन देखा तो अभी बहुत क्लिनिकली बोल रहा हूँ पर जिस चीज़ को सवारा था संजोया था हम दोनों ने और वो बिखर गया तो पर्सनल लॉस कब से था वो रिश्ता बहुत बुरा हूँ मैं इयर्स सब कॉलेज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री आज से चौबीस साल पहले पच्चीस साल पहले पच्चीस साल पहले हुँ. क्या हो कितना होगा वो नाइनटीन नाइनटी नाइन नाइन्टी नाइन हाँ तो uh, So Pilu and I had an amazing marriage. Amazing. I have the most kabadong. Zavardast Virisad Gime. I have celebrated my twenty two years with her. so therefore I don't relate to her that she is the mother of my child. Pilu is been my friend and Pilu has been my wife. एक जबरदस्त हमारी रिलेशनशिप थी और बहुत प्यार करके हम लोगों ने अपना घर बनाया बोगली को बड़ा किया और देन एट अ पॉइंट वी सडनली सॉ दैट जो भविष्य हम देख रहे हैं वो अलग और बहुत पेनफुल होता है बंधु क्योंकि आप जितने भी अपने आप को यू नो आप कहें कि आप बहुत आर्टिकलेट हैं बहुत कम्युनिकेट करते हैं जब जब कुछ चीज़ें ऐसी बिखरती हैं तो आप यू आर एट बॉस कैसे करके उसको ठीक करूँ उसमें लगे हुए थे दोनों ही लगे हुए थे लेकिन हम लोगों ने जब पाया कि वो नहीं हो रही बात एक चॉइस और भी था बड़ा इंटरेस्टिंग भाई बाईस साल अच्छे हो चुके हैं तो चलाते रहो एंड देन इट वाज अ चॉइस दैट आई कि वो जो बाईस सचमुच कमाल के साल थे उनको आगे सड़ाना नहीं चाहता हूं मैं कि उसको गले में बांध लू लाइक मिलस्टोन कि उसकी वजह से बाकी की जिंदगी को खराब और पॉइजनस कर दू हम दोनों ही एक दूसरे के लिए करते एंड दैट इज वी सैट डाउन एंड एंड वेरी साथ साथ was involved, was involved. और भाई कुछ भी कहो बच्चा है तो सोचा ही नहीं था ना भाई वो तो तीन जनों का घर था hmm. सवाल ही नहीं था ऐसा कुछ लेकिन हो गया भाई अब जब हो गया तो सो इट 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 बॉस कुछ करना तो पड़ेगा सो so, हिम और ऐसा नहीं कि आसान अरे बहुत मुश्किल था एंड थ्रू दैट एंटायर थिंग एंड वी took द कॉल ऑफ गोइंग सेपरेट वेज पर उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली हो जैसे मैंने आपको अभी सुनाया कि बनी नहीं है फिर हम अलग हो गए इसलिए तो नहीं हुआ बहुत कुछ हुआ उसके बीच में पर वो दिखा नहीं लोगों को तो जब फाइनली हम लोगों ने दोनों ने तो वो और हम तीनों ने बातचीत करी और फिर हम लोगों ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया कि भाई ये हो गया कुछ तो पहला रिस्पॉन्स नाइन्टी परसेंट का एक था What? पर तुम तो लड़ते भी नहीं थे तो तु, तुमसे पता चला कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग और एक दो डेढ़ साल साथ रह के थोड़ा लड़ते झगड़ते रात को उन लोगों को फोन करते कि आओ जरा ज़रा मारपीट हो गई है जरा आ जाओ फिर वो लोग आते समझाते फिर अपने घर जाके थोड़ा चर्चा करते आपस में बहुत मार धाड़ कर रहे हैं यार क्यों कर रहे हैं ये लोग फिर वो लोग जाके गाते तुम क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो अलग क्यों नहीं हो जाते और फिर हम अलग होते तो अब अलग हो सकता जमाने को ये सुख चाहिए होता है वो कुछ कंपिटिशन यार वो नहीं, नहीं अच्छा हुआ हो गया यार कुत्ते बिल्लियों से लड़ रहे थे फिर हमने आशीष को समझा आशीष तो मोटिवेशनल स्पीकर है तू कैसे लड़ सकता है ऐसे? तो, तो ये मौका ही मिला कि ये सब हो रहा है फोटो दिख रही है ना बुरा लगता है वो लोग ऐसा करते हैं ना ये सब मौका नहीं दिया तू वो नहीं हो, एक होता ना फिल्मों में पहले बहुत बुरा हुआ उसके बाद वो बंदा जीते पर हम लोगों ने देखा कि नहीं चल रहा वो दोनों ने ही बातचीत की मैंने झगड़े के नहीं बोलते है hmm. ना क्योंकि हम तीनों के अलावा किसी को इससे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ जितना हम तीनों को हो रहा है hmm. और तीनों अच्छे लोग हैं और अलग दिखाई दे रही है दुनिया एंड आई थिंक समवेयर हैथ ऑफ टू पीलू मोगली एंड मी हम लोग इस चीज़ को रिजॉल्व कर पाए hmm. और uh, कई बार कहते हैं ना कि रिजोल्व करना मतलब ये नहीं कि अच्छा हुआ रिजॉल्व करना का मतलब है कि मैनेज कर पाए hmm. क्योंकि जिंदगी में दुर्घटनाएं होती हैं अगर आप उस दुर्घटना से कैसे निकलते हैं वही हम सबका यू नो वॉट यू डू एंड सीलिंग एंड इट डिड उसके बाद जिसको कहते हैं कि द नेक्स्ट स्टेप वॉज कि जब हम लोगों ने ये किया पीलू और मैंने जब बैठ के कहा कि मैंने कहा कि भाई अब तो वो करते हैं और जल्दी नहीं है मोगली की मोगली ग्रेजुएट uh, होगा उसकी नौकरी लेगी उसके बाद ही करेंगे कोई मारा मारी नहीं है। hmm. हमने कहा कि जब ये हो गया है तो लेट नाउ स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट वी नीड टू डू एंड इज नो पॉइंट इन स्ट्रेचिंग इट एंड अगेन ट क्योंकि अब सेपरेट हो जाते हैं हम लोग मैंने कहा बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें कि सेपरेट होकर सब लोग कहते हैं नहीं वो एक घर में रहते हैं पर सेपरेटेड हैनी गैलरी अजीब सा है ना इस <laughs> समय आग की बात भी हो रही है आग को फूक दी जा रही है कि आग और जले बहुत ही प्लांट तरीके से है भाई ये सब वाह ऐसी ग्रेस ऐसी मचोरिटी एक टूटते रिश्ते डील करने में बहुत दुर्लभ है हाँ मतलब बहुत पेनफुल है तो ग्रेस इज एन आफ्टर थाट ग्रेस इज अ डिस्क्रिप्शन इज वेरी पर्सनल और uh, इसीलिए परफॉर्मेंस में भी कहते हैं ना कि आप पेन दिखा नहीं सकते आप फील कर पाते हैं hmm. उसके कहते हैं कोई गोली लगने के बाद भी उन्हें हंसता है और पॉइंट इज कि पेन इज देयर इन समथिंग इज इज

जो मुझे समझ में आई मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये कि लॉस जो होता है ना वो आदमी को बहुत चुभता है और लॉस बताओ बाईस तेईस साल साथ रहे उसका चला गया एंड आई सिटिंग अमला सुनील हाउस इन धर्मपुर अकेले रूम में बैठा था सडनली समथिंग लेटर टोल्ड अमला सुनील ट्वेंटी टू इस वी इन्वेस्ट इट फुल्ली एंड इट फुल्ली मैं उसको क्यों hmm. अब नहीं हो रहा था उसका मतलब सब कुछ को बुराई करूं उतना योग नहीं किया था भाई अमेजिंग था झड़प होती थी बिल्कुल होती थी क्यों नहीं होगी भाई बट वो अमेजिंग झड़प थी अमेजिंग जिंदगी थी अमेजिंग साथ था घूमे फिरे पीलू ने क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया साथ कहाँ कहाँ नहीं घूमे मुंगली किस तरह से बड़ा मैंने बस, आ, हुए, बिल्कुल हुए But वो भी हम लोगों ने साथ सेलिब्रेट करे आई विल नॉट आई विल नॉट पुश अवे दोस्त सही सब कुछ वेस्ट किया मैंने कहा नहीं मेरे वो बाईस साल वेस्ट नहीं गए आई है hmm. बहुत प्यार से विद इंटेग्रिटी विद लॉड ऑफ केयर कंसर्न कमिटमेंट विजन लो मिली ग्रो हियर ऑन इज़ समथिंग सम्स तो वो जो है ना एबिलिटी टू से अगर अब कुछ हो गया गड़बड़ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आपकी जिंदगी व्यर्थ है और आप बहुत करीब तो hmm. रहते हैं बताए आप बहुत करीब रहते हैं कुछ ड्रास्टिक करने के और यहाँ पर कोई और इन्वॉल्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा कि लोग क्या कह रहे हैं क्योंकि तो कोई मायने नहीं रखता बिल्कुल क्योंकि जब रिश्ते खत्म होते हैं तो हम आ, 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 इन एक्टिव इन रेट्रो, रेट्रोस्पेक्टिव manner आ, हर चीज़ में फिर ऐब निकालने लग जाते हैं इंटरप्रेट करने लग जाते हैं और, और वजह चाहिए ना एंड पता नहीं मैंने तुमको पहले, था था था। पहले? बताया था कि नहीं ये बोलने की इच्छा होती है दिख गया था मुझे फिर है ना बताया था कि नहीं तुम्हें को बता सकते एवरीबडी वॉन्ट्स टू इट्स इतना जोर से हम लोग सब किसी और की जिंदगी के बारे में कुछ कुछ मत रखते हैं जजमेंटली बहुत मत रखते हैं भाई साहब मैं बताया उसके बारे में याद है वही हुआ कहता हूं तो मत करो यार मत करो क्योंकि जिसका घर चला है वो जानता है दर्द और तुम कहते ना कि मददगार बनने की आड़ में और दर्द मत दो क्योंकि ऐसे में खासकर इतने लंबे रिश्ते में हर मोड़ पे ट्रिगर्स होते हैं हर चीज हर लम्हा कोई गाना कुछ अपने साथ में खाया हो मोमेंट्स जुड़े होते हैं अरे वाह बहुत बहुत और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब यू नो व्हाट अगर मैं आज आपको कहूँ कि मैं अभी जिस रूप में हूँ उस वक्त यू you नो know, मैं इस बात को क्लिनिकली बोल रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ तो एक तो क्लिनिकली बोल रहा हूँ है ना लेकिन दूसरी बात यह है कि I'm taking Pilu's name. I'm not saying her. I'm taking her name because she, that is Pilu. है ना? But distance भी करना चाहता हूँ. She is not she whose name cannot be taken. क्या दातवादर के बारे में आप बोल रहे हैं? She whose name cannot be taken. तो वो be so, beautiful more बिल्कुल तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वो मूर्त किसकी जिंदगी गए थे मेरी जिंदगी तो मैं उनसे जुदा नहीं मैं कह हूँ अरे तो ये तो गए गए थे हम लोग साथ थे साथ ये हमने वहां खाया था तो क्यों नहीं गए क्यों नहीं गएंगे तो मतलब अपने ऊपर इतना मत वो करो कि नहीं उसके बारे में समझो तो 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 नाटक मत करो मतलब जिंदगी से इतना मत रूठो कि तुम कहो कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता अपने आप से भी यही hmm. हाँ तुम किसी और से बात नहीं करना चाहते अलग बात है ग्रेटफुल ग्लैड दैट वी बोथ कुड दिस जर्नी एंड सिर्फ यही हमोगली कहता है मैं उससे बात करता हूँ कहते बाबा नाउ डोंट से ही इज प्रोसेसिंग से ही हैज प्रोसेस्ड आई अंडरस्टैंड दैट ही इज गोइंग थ्रू हिज थिंग बट ही ऑल्सो यू नो टू हेल्प और वो दूर है और वो आई गैस ही मतलब यही वाली बात है कि आज की स्थिति में कि वो एटलीस्ट जानता है कि उसके माँ बाप घर में बैठे झगड़ा नहीं कर रहे सीधी सी बात है यार क्यों हम लोग झगड़ के वो और आपको सबको पता होगा कि झगड़ रहे हैं मुझे तो एग्जाम्पल दिया गया कि वो साथ रह लो यार क्या जरूरत है तो मैंने कहा तुमको पता है कि हम साथ नहीं है लेकिन हम साथ रहे हम तुम्हारे घर डिनर करने आए और फिर साथ वापस जाओ तुम कहोगे साथ नहीं है अभी ऐसे ही साथ आते हैं नहीं करना चाहता आई विल नॉट प्ले फॉर यू क्यों नहीं यार मैं क्यों ना कहूँ में चोट है मेरे हाथ में से लग, लग, लगा हुआ है क्यों कहो नहीं सब ठीक है नहीं सब ठीक नहीं है भाई है ना हाथ नहीं उठ रहा मेरा शूटिंग में चोट लगी क्या हुआ तो बी ओके विद में से ज्यादातर लोग घबराए रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे और मैं आपको बता रहा हूं मैं एक मेल हूं मैं एक अभिनेता हूं मैं अट्ठावन साल का हूं मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं आप जानते नहीं है मेरे ऊपर कितना कितने लोगों के आक्षेप और क्या-क्या बातें बोली मेरे जैसा आदमी जो बड़ा पॉजिटिव रहता है मैं हिल गया भाई साहब सोशल मीडिया ट्रोलिंग सोशल मीडिया वो तो खैर वो तो एक पार्ट है जान पहचान वाले मतलब कि क्या कर रहे हो तुम मतलब क्या कर? मतलब मैंने कहा कि अगर उनका कुछ बिगाड़ रहा हूं मैं आय मुझे वो इजेक्ट बटन दबाना है। मुझे पता कब दबाना है hmm. और मैं बता रहा हूं ये आज के युग की बात है मैं मुंबई शहर में रहता हूं मैं किसी छोटे कस्बे की बात नहीं कर रहा हूं और लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस भेज रहे हैं जो बता रहे हैं कि आप वो कर पाए जो हम कभी सोच नहीं सकते वी आर ऑल डीलिंग इट डर है लोगों को मतलब सिर्फ शादी की बात ही नहीं अपना अपना प्रोफेशन बदलने से लोग डरते हैं लोग क्या कहेंगे hmm. लोग हम लोग इतने घबराए हुए हैं कि कहीं ना कहीं कोई कुछ किसी को कह देगा तो क्या क्या ना बैठे और हम वही डर दूसरों को देते हैं क्योंकि हम खुद डिस्कस करते हैं दूसरों hmm. और दूसरों से डरे रहते हैं भाई जब हमने डिस्कस किया तो वो भी करेंगे इसलिए मैं लोग कहता हूँ स्टॉप डिस्कसिंग इज डूइंग इट फॉर ही इज बेस्ट प्लीज स्टॉप बींग जजमेंटल स्टॉप क्योंकि आप उनको नहीं जज कर रहे आप खुद योर ओपनिंग योर सेल्फ आप क्या आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे पांच लोगों से पूछेंगे तो भाई ठीक है ना उनको बुरा तो नहीं लगा कुछ लगाजी करते हुए जी या झूठ बोलेंगे क्योंकि वही हुआ कि जब पी आई डिसाइडेड दैट वी विल डिवोर्स एंड बट बिफोर दैट वी विल फुलफिल ऑल दीज रिस्पांसिबिलिटीज हिज कॉन्वकेशन वो सब करने के बाद मैंने उसी से कहा कि मैं पीलू, मैं डिवोर्स करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ना शादी में यकीन है मैं कभी ना कभी शादी जरूर करूंगा एंड पीलू पीलू शी बीलूर आई नो दैट जानता जानती हूँ वेरी गुड और टिल द फाइनल फ्यू मंथ्स ऑफ आवर माई बैंक वॉज बिंग मैनेज

मुझे कुछ पता ही नहीं था वो ही बता दी ये ये ठीक है डॉक्टर यह कर देते अभी भी मैं क्लिनिकली बोल रहा हूं पर मैं बता रहा हूं कि हम कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ने वो जो 22 साल जो हम साथ थे वो जो 22 साल का हमारा जो साथ था उसको रिस्पेक्ट किया हम इवन इन दिशिंग जब ये सब हुआ तो एक तो एक यू नो एक फनी वे आप कह रहे हैं आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि बिना झगड़े के भाई क्यों अलग हो गए वजह क्या है hmm. आ, मैं नहीं मैं तो, उस सच में क्या मतलब हम लोग देख रहे हैं भविष्य अलग हम अलग हो रहे हैं तो एक तो उसमें उसके बाद दूसरा ऑप्टिक्स मैंने लोगों को बताया कि भाई ये सब बात बात के लग, एक साल बाद जब मैंने कहा कि भाई मैं इनसे मैं रूपाली मुझे मिली मैंने कहा भाई मैं इनसे शादी करूंगा हम एकदम मेरे आसपास फिर ये कैसे हो सकता है मैंने कहा क्या कैसे हो सकता है कहते अरे तुम मैंने कहा कि एक सेकेंड तुम क्या चाहते हो कि अब मैं कुछ दिन कुछ डेढ़ दो साल मैं सत्तावा थोड़ा शोकाकूल रहूं अकेला पड़ा रहूं थोड़ी दाढ़ी बढ़ाऊं अपने ख्याल ना करूं फिर तुम मेरे घर आओ और कहो क्या कर रहे हो आशीष जिंदगी खत्म हो गई है क्या वो देखो वो कर रहे हैं ये क्या उम्र हुई है तुम्हें नहीं नहीं पियोगे तुम शराब नहीं अकेले नहीं रहोगे तुम बहुत बुरा लगता हमको ठीक है अगले संडे हम आएंगे फिर घर जा तुम डिस्कस करोगे हम गए थे पिछले संडे बहुत बुरा लगता है वो सो फुल ऑफ लाइफ नाउ ही मूव ऑन ना वो टाइम नहीं दिया हमने क्योंकि मैं बहुत क्लियर था कि यार आई आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फुल्ली आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फुली मैं मैं क्यों अपने आप को दबा के डरा के थका के रखू एंड आफ्टर ऑल दिस आई फॉर यूनिवर्स आई आस्ट यूनिवर्स प्लीज मुझे किसी इंटरेस्टिंग किसी को मिलवाओ ना जो जिंदगी किसी मोड़ पे है कि जहां पर उनको पार्टनर चाहिए मैं दक्षिण में जाता था काम से बोलते किसी, बोल कि somebody, know, in marriage, किसी को बोल देता इफ़ यू हैव समबडी है एंड देन बाई चांस इनसे भेंट हुई किसी ने मिलवाया मैंने कहा हाँ उन्होंने कहा बात की रूपाली लॉस्ट हर हजबेंड अ फ्यू ईयर्स बैक एंड शीज अर ऑफ मैरिज ने कुछ महीने बात की फिर बात समझ में आई सबसे पहले मैंने पीलू को मिलवाया पीलू को बोला मैं पीलू दिस इज़ मैरिड टू उसके नेक्स्ट मोगली से बात करा वो दिस इज ऑल आर लिविंग अच्छा वो उसके बाद हमने एक सही टाइम पर उसके बाद शादी की जब शादी की अब दुनिया इन्वॉल्व हो गए इसमें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रोलिंग की हम जो बात करते हैं वर्ड है ट्रोलिंग भाई बहुत जोर से लगता है और आ, मैं बताना चाहूंगा ट्रोलिंग की वजह से लोग अपनी जान दे सकते हैं बिल्कुल जान दे सकते हैं और जो ट्रोल करते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल उन्होंने मुझे बुढा कहा उन्होंने मुझे ठरकी कहा उन्होंने मुझे कहा तेरे बेटे की शादी के टाइम पे तू शादी कर रहा है जो जो जितनी अच्छी तरीके से काट सकते थे एक एक तरीके से से खून बहे लोग फॉरवर्ड करते थे उसके बाद कुछ एक दोस्तों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज बड़े मजेदार पूछे वी आर शॉक्ड आई एम शॉक्ड बट एनी वे कॉन्ग्रेचुलेशन यू नो इट इज इट इज अमेजिंग और इंग मैं भी जिंदगी में ना मैं जब भी किसी कोई गिरा है जब भी कोई गिरा है मैंने उन लोगों को कहा कि खड़े हो जाओ बॉस तू निकलना है तेरे और जो खड़ा हो ना ग्रेट गो इट और यू नो वॉट दे एंड आई गोट इट लाइफ इज नॉट फेयर लाइफ इज नॉट फेयर टू बी एंग्री जस्ट गेट इट दैट इज आवर लाइफ इज यू हैव टू लिव विथ योर बिलीव यू नाट टू एक्सपेक्ट दुनिया दुनिया से नहीं है उनकी जो समझ है मतलब मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्तों को मुझे बताना ना पड़ा कि भाई तुम डोंट राइट माई रेजिग्नेशन लेटर क्या बचा है जिंदगी में आशीष अब तुझे बस बैठ के देखना है कि मोगली बड़ा हो रहा है मेरा रेजिग्नेशन लेटर लिखना है मैं नहीं यार मैं तो कुछ करूँगा वो भी करेगा मैं भी करूँगा कुछ मैं कुछ कमाल करना चाहता हूँ जिंदगी में लगा पड़ा हुआ और मैं खुशी से करूंगा मैं थका हुआ भोजन नहीं करूंगा किसी कोई अकेला रहना चाहता है प्लीज मैं नहीं रहना चाहता hmm. मैं जब चाय अपनी चॉइस की पीता हूं तो जिंदगी क्यों नहीं अपनी जिंदगी की अपनी चॉइस की जी यार इट इज अमेजिंग हाउ आई एम पेइंग माई टैक्सेज आई एम पेइंग माई बिल्स आई एम फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके बाद भी उसके बाद मुझे एक लोगों ने और बताया शादी की क्या जरूरत है

इस मर्द को दर्द हुआ था बहुत ज़ोर से घबरा गया था भाई मैं समझ में नहीं आया था क्या करूं इंडिया में कहां जाऊं समझ में नहीं आ रहा फिर आ, हमें जाना था क्या कहते हैं पाली लास्ट मिनट में टिकट बुकिंग उधर नहीं मिल रही रातों रात बुक के मैंने कहा इंडिया में रह ही नहीं सकता आई वेंट डाउन टू बी विद आर फ्रेंड इन मोरिशस बीवा के घर चला गया उधर जाके बैठा वहां से फिर बाली गया मतलब मुझे वक्त लगा कि मैं अपने को ठीक कर पाऊं। ट्रोलिंग की वजह से हीट बहुत मारती है साहब और अगेन मैं बता रहा हूँ पुरुष हूं मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूँ विश्वास रखता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ हाउ इट हिट मी मुझे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ा जस्ट कीप माई सेल्फ इंटैक्ट इंटैक्ट I said, I have to breathe another day, live another day. And then a very interesting thing happened. And Rupali was extraordinary in that. Rupali said something very powerful to me. She said, Rashish, ये जो ये सब बोल रहे हैं हम लोगों को इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमारा ख्याल रखें अगर हम लोग अलग अलग जैसे भी थे अलग अलग ने कोई रिस्पोंस, उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये खत्म हो गई कि थूक कर दी बस फिर <coughs> तो अगले दरवाजे चले गए अगले हाँ आप बोल के चले गए और डिस्कस किया हमको और डिस्कस किया जानने वालों ने अनजान वालों ने सबने डिस्कस किया, और पता है आपको लगता है कि लोगों को पता नहीं तो मुझे पता चलता है भाई हम सबको पता चल रहा है आप डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने भी मैंने उस टाइम को इस तरीके से दिखाया इट आई हैव टू प्रिजर्व माई सेल्फ और देर आफ्टर देर केम अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेस जब आप शादी करके अब आप आए हैं अब आप घर चला रहे हैं और अब कुछ लोग फिर नाराज है अब क्यों पता नहीं किन किन थॉट्स को लेके बैठे मैं कुछ शॉक्ड हैं कुछ क्या हो गया मतलब मेरी शादी टूटने का मुझसे ज्यादा दुख उनको है सर भाई लेट मी बी अगर आप मेरे साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं प्लीज रखिए क्योंकि मैंने कुछ अच्छा ही किया आपकी जिंदगी आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं किया तो ये सब जो डर है कि भाई ये क्या कर दिया इस और तब मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि दरअसल ये एटलीस्ट जो अनजान लोग थे या इवन जो जानते हैं मुझे वो मुझे गाली नहीं दे रहे थे वो गाली दे रहे थे एक उम्र को hmm. क्योंकि तो पचास के ऊपर हो चुका है तो ये बातें कैसे सोच सकते हाउ कैन यू थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड आई गॉट वन यू नो आई गोट वन थिंग दैट इट इज लाइक पीपल आर स्पिटिंग एट मून क्योंकि ऑल ऑफ आस आर आईदर 50 प्लस और गेटिंग देयर हम पचास के पार हो चुके हैं या उस तरफ बढ़ रहे हैं और हम थूक रहे हैं उस उम्र की तरफ चांद पे जो थूकते हैं तो भाई इधर ही गिरता है वो एंड दैट इज आर आफ्टर फाइव डिसाइडेड दैट वी विल कम आउट विद यूट्यूब चैनल जिसका हमने नाम रखा फिफ्टी प्लस जिंदगी और हमने कहा हम उसमें कहानियां सुनाएंगे जहां पर हम बताएंगे कि यू कैन एड जिंदगी टू योर एज यूर आइदर फिफ्टी और यूर गेटिंग देयर कैसा रहेगा कि यू कैन रिस्पेक्ट दैट एज डोंट डोंट राइट योर सेल्फ ऑफ उस उम्र के बारे में बुरी बातें मत बताओ क्योंकि भाई जब तक आप जिंदा हैं जब तक मैं जिंदा हूं हम लोगों को बहुत कुछ करना है खुल के जियो ना यार डर के क्यों जी रहे हो और खुद को क्यों डरा रहे हो कि भाई मैं तो उस उम्र की तरफ पहुंच रहा हूं तो खत्म अब तो जो होना था हो गया अब तो बस यही करेंगे हम तो कर नहीं पाए नहीं भाई और मैं यकीन रखता हूं इस बात का कि वी मस्ट रिस्पेक्ट एज वट एवर एज रिस्पेक्ट दिस्पेक्ट दर्टी फिफ्टी सिक्स रिस्पेक्ट योर एज लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट एंड रूपालिया नाइट ट्रेवल हम लोग काम करते हैं साथ घूमते हैं हम लोग कहानियां ढूंढते हैं और लगे हुए हैं दोस्त कुछ मजेदार करना है खुश हैं आप मतलब एक्स्ट्रॉडनरी सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट वो ये कहते हैं ना खुशी एक ऐसी चीज़ है कि हाँ बहुत खुश हो गया बहुत खुश हु ऐसी दिस मोमेंट मतलब really अभी ठंड लग रही थी बहुत जोर से जैकेट पहन लिया ये पहन लिया हाउ इज इट इट इज नाउन रुपालीन आई मेट एट इन आर लाइफ जब उनको जिंदगी में उनकी जिंदगी में एक तरह से रोशनी की कमी थी मैं जब उनको मिला मेरी जिंदगी में रोशनी की कमी थी और हम दोनों मिले और हम लोग कुछ बहुत शी इज अ वेरी काइंड ह्यूमन बींग वेरी लविंग ह्यूमन बींग वेरी केयरिंग ह्यूमन बींग आई एम वेरी हैप्पी दैट रूपाली एंड आई इंक्लूड मोगली इन आ फ्यूचर मोगली भी धीरे धीरे बात कर रहा है हम लोग सब गपियाते हैं और कुछ भी फोर्स नहीं करना है मुझे नथिंग विल बी फोर्स बट वी आर मूविंग टूगेदर जिंदगी ऐसी है बट आडम के आडम्बर के रिलेशन नहीं रखने मुझे दिखाने के लिए कहते हैं फॉर ओल्ड टाइम से नहीं वो नथिंग ओल्ड टाइम से आप वैलिड है कि नहीं सो कहते हैं ना कि आप, आप सचमुच क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिंदगी में साथ या हमारा राशन कार्ड साथ बना था कि चलो साथ नहीं सो दैट हैज बीन अज मूवमेंट यहां पर मैं देख पाया हूं कि Uh, the power of no. Hmm. But you have the ability to say yes to things that you wish to and say no to things that you don't wish to. And with utmost respect and love. When you say, you know, that is not what I choose. And we are going on. And as your Baba would have said, it's alright. हमारी हमेशा कोशिश रही कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं साफ सुथरा कंटेंट कंटेंट बनाएं जो लोगों को इंस्पायर करे अच्छा महसूस कराए द स्लो इंटरव्यू उसी यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है लेकिन डिसेंट कंटेंट बनाना आज की दुनिया में आसान नहीं है नेगेटिव कंटेंट बहुत बिकता है पर आज नई यात्रा शुरू हो रही है आज हमारी ऑडियंस आप सब हमारे शो को सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं आर्थिक रूप से ताकि हम बिना किसी दबाव के अच्छा काम करते रहने की कोशिश कर सकें बहुत धन्यवाद आप सबका कि आज का शो और आने वाले सारे एपिसोड ऑडियंस द्वारा सपोर्टेड होंगे आपका समर्थन सहयोग होगा बहुत धन्यवाद और इस यात्रा में हम डटे रहें यही उम्मीद है